हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथली प्रेडिक्शन जून 2024 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके सैंडस के बेस पे हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोज़ को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ and you can make your life easy and better through worship and chanting. So let's talk about Aries ascendant, yani ki mesh lagan. Sabse pehle baat karenge dynamics ki, grahon ki, gochar ki. Dekhiye, brihaspati jo hain is sara mahina June ke aapke second house mein transit karenge. 7 June tak jo Jupiter hai wo kambast rahenge. 7 June ke baad Jupiter rise ho jayenge, jo ki ek bade hi positive एक चेंज एरिस के लिए आएगा। एरिस के लगन के लॉर्ड 1 जून से मंथ एंड तक एरिस साइन में फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे। कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द शिप, अब लगा के चलें बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में एरिस साइन में फर्स्ट हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे 1 जून से लेकर एंड ऑफ द जून तक। राहु केतु के एक्सिस से अब जो मार्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और आपके लिए एक ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है एरिस। सेकेंड नंबर पे शनि का गोचर जो है वो एक्वेरियस साइन पे है। 1 जून से 28 जून तक शनि जो हैं वो डायरेक्ट मोशन में ही एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे। 29 जून को जो सैटर्न है यानी शनि, वो वक्री हो जाएंगे। सो मंथ का जो एंड है वहाँ पर शनि देव वक्री हो रहे हैं और राहु जो है वो पाइसिस साइन में गोचर कर रहे हैं। वो सारा महीना पाइसिस में ही गोचर करेंगे। जून के केतु वर्गो साइन में गोचर करेंगे। 12 जून तक आप लगा के चलें जो वीनस है सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के आपके लॉर्ड है, सेकंड हाउस में गोचर करेंगे लेकिन कंबस्त रहेंगे। और 12 जून से जो वीनस है वो जेमिनी साइन में एंटर करेंगे, वहाँ पर भी वीनस जो है कंबस्त अवस्था में ही मंथ एंड तक चलेंगे। तो शुक्र इस महीने कंबस्त है, मंगल राहु केतु के एक्सिस से बाहर आकर लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर आपके 7 जून को राइज यानी उदय हो रहे हैं और शनि 29 जून को वक्री हो रहे हैं। ये बड़ी चेंजिंग है आपके लिए। और 1 मई से ही जो बुध है वो भी एरिस में आ जाएंगे और मार्स के साथ उनका युति रहेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ को लेकर ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। शारीरिक तौर पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि आपके अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज़ थे तो वो दूर होंगे। मंगल का गोचर लगन में आपकी सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स में सुधार लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, करेज बड़ा चढ़ा रहेगा। शारीरिक तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी एरिस असेंडेंस के लोग इस महीना कम्फर्ट जोन में रहेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगी और पॉजिटिव इवेंट्स आपके साथ होंगे। अगर कुछ नेगेटिव है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ हाई बीपी आपको परेशान कर सकता है, या किसी को अगर रक्त विकार है तो उनको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है क्योंकि 5वीं प्लैनेट मार्स एरीज साइन अपने ओन साइन में स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेकर मरकरी के साथ कंजक्शन करेंगे, जो 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। लगन में बुध भी होंगे तो थोड़ा सा आपको अपने रक्त विकार से संबंधित अगर कोई रोग है, बीपी से संबंधित कोई रोग है तो आपने उसमें अलर्ट होके चलना है। इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं बनना, गुस्से पे थोड़ा अंकुश लगा के चलना है। मंथ ऑफ जून में खामखा का गुस्सा, फजूल का गुस्सा आप किसी पे कर सकते हैं जिससे सिचुएशंस थोड़ी ख़राब हो सकती हैं, बट ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब अगर बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की एरिस आपके लिए, तो मंथ ऑफ जून 2024 बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। 13 जून तक सूर्य भी वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 जून के बाद मंथ एंड तक जो सूर्य हैं, सन हैं, वो जेमिनी साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। और जो सबसे बड़ा बदलाव है कि 1 जून से मंगल लगन में, 7 जून से जुपिटर राइज हो रहे हैं, थिंग्स विल बी एक्सीलेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन की। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं तो ये महीना आपके लिए अल्टीमेट है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी टू इन्वेस्टिंग योर मनी। आपका बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देगा।
ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से 7 जून के बाद आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। ये टाइम आपके कोई दोस्त, आपके कोई भाई बंधु या आपके कोई वेल विशर आपको कोई अच्छी एडवाइस देंगे और अगर आप उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। मंथ ऑफ जून बिजनेसमैन के लिए अल्टीमेट है, नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके लिए बड़ी बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होंगी। ये टाइम पॉजिटिविटी आपकी बड़ी रहेगी और हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। किस्मत का भरपूर सहारा 7 जून के बाद आपको मिलना शुरू होगा जब भाग्य के मालिक सेकेंड हाउस में राइज हो जाएंगे। ये समय आपके साथ नए पार्टनर्स, नए इन्वेस्टर जुड़ेंगे, नए लोग आपसे दोस्ती करेंगे, बिजनेस में जो बायर और सेलर हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात और टाई अप अच्छे हो जाएंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी का करते हैं, कॉमोडिटीज में करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन द मंथ ऑफ जून 2024। स्पेशली आफ्टर 7 जून यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज। मल्टीपल सोर्स से इस महीना आपको अर्निंग रहेगी, खास करके पहले 12-13 दिन आमदन में इजाफा होगा और सेकंड पार्ट जब सूर्य थर्ड हाउस में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और एफर्ट्स के थ्रू आप बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। जो लोग जॉब में हैं सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द जून में आप हार्डवर्क बड़ा करेंगे, एफर्ट्स बड़ा करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ये टाइम आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे और जो लोग जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं उनके लिए 13 जून के बाद का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा एडवांटेज लेकर आ रहा है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप कोई गोल्ड सिल्वर कुछ बाय करें, प्रीशियस मेटल बाय करें। जो लोग गोल्ड स्मिथ हैं या कोई मेटल का काम करते हैं उनके लिए भी सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आ रहा है। अगर आप जमीन से निकली हुई कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट हैं। मंथ ऑफ जून 2024 एरिस आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। यू विल एंजॉय कम्फर्ट, रिसोर्सेज, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम बिकॉज जुपिटर 7 जून को आपके उदय होंगे और 13 जून को जो सूर्य है सेकंड हाउस को छोड़कर थर्ड हाउस में चले जाएंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्मिंग वंडरफुल फॉर यू एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज। और ये टाइम आपको आपके पार्टनर से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी या कोई नए इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स आपके साथ जुड़ेंगे। थिंग्स विल बी वर्क एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज। आपको एरिस पॉजिटिव रहना है और अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहना है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे बढ़ना है। ये समय बैठने का नहीं है, सोचने का नहीं है, ये समय एक्शन लेने का है, कुछ करने का है, अपने आप को प्रूफ करने का है। जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं या प्रमोशन रुका हुआ है, तो 13 जून के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। किस्मत का भरपूर सहारा है और कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, चैरिटी है, डोनेशन हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे 13 जून के बाद। लेकिन ये महीना आपके लिए रिसोर्सेज को लेके बहुत अच्छा है, अपने डेप्थ्स आप क्लियर कर लेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, काम काज को लेके बहुत फोकस रहेंगे। जो नेगेटिविटी चल रही थी पिछले 1-1.5 महीने से वो 1 मई से लेकर आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी। 1 जून से आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, 7 जून से एक नई डायरेक्शन मिलेगी, 13 जून के बाद आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया पटरी पर भागेगी जिससे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हैं और कोई गुड न्यूज़ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिल सकती है। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुल एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए, अगर हम बात करें जॉब के लोगों के लिए तो सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको इस सारा महीना हार्डवर्क करना पड़ेगा और हार्डवर्क करने के बाद आप मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका हार्डवर्क आपको इस महीना पे करने वाला है, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके साथ जुड़ने वाला है, प्रमोशन पेंडिंग चल रही है या आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी 13 जून के बाद जो आपका टाइम है वो बहुत ज़बरदस्त है। आकस्मिक धन लाभ आपको 13 जून के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। 13 जून के बाद पोजीशन चेंज होंगी, यंगर सिबलिंग के साथ टाई अप अच्छे होंगे या आपके यंगर सिबलिंग के साथ या दोस्तों के साथ कोई पार्टनरशिप्स होंगी। आपके लिए टाइम एरिस बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो 7 जून के बाद या 12 जून के बाद कर सकते हैं और आपके लिए टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। फैमिली की पूरी सपोर्ट रहेगी, लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट रहेगी और जो लोग सिंगल हैं उनको कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है। एरिस, अगर शादी की बातचीत चल रही है
तो वो शादी की बातचीत आपका फिर शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर आप अरेंज मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी ये महीना 7 जून के बाद आपको बहुत बड़ी सपोर्ट देने वाला है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी जुपिटर का ट्रांजिट सेकंड हाउस में 7 जून के बाद राइस पोजिशन में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप अपनी मैरिटल लाइफ को दोबारा से रीसेट करने के लिए प्लान करेंगे। और ये टाइम आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े राइज होंगे, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, योगा टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, देन थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। और आप अगर कोई कंसल्टेंसी सेल करते हैं या आप किसी किस्म के काउंसलर हैं तो आप काफ़ी अच्छा धन इस महीना आप अर्जित करेंगे, लाभ में वृद्धि होगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, सिक्स सेंस आपकी बहुत अच्छा काम करेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सिक्स में कन्वर्ट होंगे, ड्राइव आपकी बढ़ती रहेगी, टाइम आपके लिए गुड फॉर्चून शाइन करेगा, रुके हुए काम बनेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज इस महीना में आपको मिलेंगी। बिजनेसमैन के लिए जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं स्पेशली 16 जून के बाद, उनके लिए भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। और इस महीना फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, खास करके 12 जून के बाद सिचुएशन में काफ़ी बड़ा बदलाव है। 12 जून, 7 जून, 12 जून एंड 14 जून के बाद सिचुएशन में काफ़ी बड़ा बदलाव है। आपके पिता से या दादाजी से आपको कोई अच्छी एडवाइस या इनहेरिटेंस मिल सकता है, इन लॉज के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्पाउस आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा, लेकिन स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न इस सारा माह रहेगी, क्योंकि वीनस कंबस्ट हैं और आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं, जिसका प्रभाव आपके बेड प्लेयर पर भी पड़ सकता है। तो ये टाइम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्रूशियल है कि आपको आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलना है, बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड लेकर आएगा। एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स से, इन लॉ से, आपके स्पाउस से यहाँ पर मिलेगी। परफॉर्म करें एरिस, अपना बेस्ट करें, मंथ ऑफ जून आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और अचानक धन लाभ के रास्ते खोल रहा है। और जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी में काम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी 14 जून के बाद और 16 जून के बाद टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है। आकस्मिक धन लाभ, अचानक कोई बड़ी मात्रा में गेन यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखता है। देखिए, इस महीने रेमेडी नंबर 1 एरिस आपके लिए, तांबे का एक छल्ला राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालें, कॉपर का छल्ला राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालें, येलो सफायर और कोरल का पेंडेंट बना के गले में डाल लें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, कुटुंब के साथ मिलके रहें, अपने परिवार के साथ जितना ज़्यादा पोलाइट टॉक्स में, अच्छे टॉक्स में रहेंगे उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका काम करेगा। इस महीना बोल चाल के रवैये में चेंज लाएं, डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल होके चलें, स्टबर्न नेचर में बिल्कुल ना आएं, क्योंकि मंगल आपके लगन में ऑन साइन एरिस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टबर्न नेचर आपकी होगी, एरोगेंस दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, इन चीज़ों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रख के चलें, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, इन लॉज की ब्लेसिंग्स अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके लिए इस माह में सबसे बड़ी गेम चेंजर है। और ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन अगर आप अपने वे ऑफ टॉकिंग को सही रखेंगे तो, अगर आप गाली गलौज करेंगे, नॉनसेंस टॉक करेंगे तो उस तरह से भाग्य काम नहीं करेगा जैसे कर सकता है। तो अपने वे ऑफ टॉकिंग में चेंज लाएं और अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेते रहें, और एक तांबे का छल्ला आपने ज़रूर डालना है राइट हैंड की रिंग फिंगर में, और 4 फेसेस वाला दिया जैस्मिन ऑयल का पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं, और कोशिश करें आप रेड कलर के क्लोथ्स इस महीना ज़्यादा डालें, और अपना रक्त विकार से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए जून 2024, सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की। 1 जून से 12 जून तक लगन के लॉर्ड शुक्र कंबस्त अवस्था में, अस्त अवस्था में फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, युति है बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ। गुरु इस सारा महीना टॉरस असेंडेंस आपके असेंडेंस में गोचर करेंगे, बीइंग 8th और 11th लॉर्ड ट्रांसिट इन फर्स्ट हाउस। 7 जून तक जुपिटर भी कंबस्त हैं यानी अस्त हैं, 7 जून के बाद जुपिटर राइज होंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर आपके लगन में होगा 1 जून से लेकर 13 जून तक, सन ट्रांसिट इन फर्स्ट हाउस इन टॉरस साइन कंजक्शन विद जुपिटर एंड वीनस। और 13 जून के बाद जो सन है आपके सेकेंड हाउस में जेमिनी साइन में मंथ एंड तक ट्रांजिट करेंगे, और वीनस का गोचर भी 12 जून के बाद आपके लगन को वीनस छोड़ के सेकेंड हाउस में जेमिनी साइन में जाएंगे, जहां पे वीनस बड़े कंफर्टेबल रहेंगे।
और मरकरी का गोचर 1 जून से एरिस साइन में यहाँ पर होना शुरू होगा और ये समय आपके लिए थोड़ा सा खर्चे का लेवल बढ़ेगा। शनि जो है आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस सारा महीना 1 जून से 28 जून तक। 29 जून को शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और मंथ एंड में उसका वक्रगत प्रभाव धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। सो ओवरऑल जो वक्रगत प्रभाव है शनि का वो जुलाई मंथ में मिलेगा क्योंकि 29 जून को शनि वक्री होंगे। सो ये गोचर की स्थिति है। और सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेके पहले 12 दिन आपके पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन छोटी मोटी स्किन रिलेटेड ट्रबल या कोई स्किन रिलेटेड एलर्जी आपको हो सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू हेल्थ रिलेटेड मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, ये समय मेंटली थोड़ी सी कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड चलती रहेगी, लेकिन 12 जून और 13 जून के बाद जैसे ही वीनस और सूर्य आपके लगन से निकलेंगे तो सिचुएशन आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कि अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी या कन्फ्यूज़न चल रही थी पहले 10-12 दिन जून के, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ इज़ हाईली प्रोडक्टिव इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। प्रॉब्लम क्या है कि शुक्र लगन में है, पहले 12 दिन बहुत अच्छी पोजिशन है, लगन के लॉर्ड लगन में है, लेकिन सूर्य से पीड़ित है। मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि शुक्र जो है वो बर्फ़ है और सूर्य आग है, इन दोनों का कोई मिलाप नहीं है। तो शुक्र डैमेज है, चाहे ऑन साइन में है टॉरस साइन में, लेकिन डैमेज है। तो आपकी हेल्थ पे, आपके स्किन रिलेटेड ट्रबल पे कोई इफेक्ट डालेंगे, कोई एलर्जी आपको स्किन रिलेटेड हो सकती है टॉरस, थोड़ा सा संभल के चलें। लेकिन 12 जून को जैसे ही वीनस सेकेंड हाउस में जाएंगे कंबस तो भी रहेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ रिलेटेड जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन लगन लॉर्ड अभी पीड़ित है तो हेल्थ रिलेटेड स्मॉल स्मॉल इश्यूज आर देयर, बट ओवरऑल ये टाइम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप जॉब में हैं तो रुक रुक के धन लाभ आपको जून महीने में होगा। पहले 12-13 दिन मंथ ऑफ जून के आपके लिए सडन फाइनेंशियल गेन्स हैं और ये समय आपकी इच्छा के मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन एक्सपेंसेस स्काई हाई रहेंगे और फौरन से कोई धन लाभ हो सकता है, फौरन सडन ट्रैवल्स हो सकते हैं जो आपके प्रोफेशन से संबंधित होंगे, जिसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट भी मिल सकते हैं, कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। फॉरन ट्रांजेक्शन विल मेक यू हैप्पी। बच्चों पर इस महीना मंथ ऑफ जून में टॉरस बहुत ज़्यादा धन व्यय आपका होने वाला है, जिससे आपका बैंक बैलेंस हिलेगा या आपके फाइनेंशियल पोजीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपने केयरफुल होकर चलना है, अपने किड्स के साथ एक बॉन्डिंग बना के चलनी है और नज़र रखनी है उनके खर्चे पर। तो ये महीना बच्चों के साथ ताल्लुकात आपके ख़राब होंगे और आपकी क्रिएटिविटी में कुछ प्रॉब्लम आएगी। पहले 13-14 दिन इस महीने में आपकी क्रिएटिविटी को लेकर और आपके किड्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आपको संभल के चलना है। ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं वो परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बिजनेस काफ़ी अच्छा निकाल रहे हैं, जैसे सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी और इस समय आपको इज्जत में इजाफा होगा। 12 जून के बाद सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जब आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी, एक्सपेंसेस कम होने शुरू होंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फादर के साथ टाई अप आपके अच्छे नहीं होंगे या मदर के साथ आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। बड़े बुजुर्गों के साथ किसी बात को लेकर तू मैं रहेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। ये टाइम थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा कि आपके घर का माहौल ज़्यादा अच्छा ना होगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन रिसोर्सेज आपके बेहतर हैं। इस सारा महीना चाहे शुक्र कंबस्त हैं, जुपिटर 7 जून तक कंबस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद रिसोर्सेज डेवलप होंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आप गोल्ड सिल्वर या कोई प्रीशियस मेटल बाय करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, रुका हुआ धन लाभ होगा, अचानक से आपको कोई रुका हुआ धन लाभ हो सकता है। थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय रिसोर्सेज। मल्टीपल सोर्स से आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में अर्निंग होगी और हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, या हो सकता है लोन अप्लाई कर रखा है तो वो लोन हायर अथॉरिटी से आपका क्लिक हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर से काम करते हैं वो मार्केट से 12th और 13th जून के बाद मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में काम होंगे। ये टाइम इस सारा महीना आपके खर्चे स्काई हाई हैं टॉरस, लेकिन उसके बावजूद बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा आपके सेविंग्स बढ़ती रहेंगी, सेविंग्स में कुछ स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी।
आप सोचेंगे एक तरफ से मैं बोल रहा हूँ खर्चे बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ सेविंग कैसे बैलेंस बनेगा, क्योंकि आमदन के रास्ते इस महीना अच्छे हैं और ये महीना आप जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, जितनी ज़्यादा नई नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अगर बिजनेसमैन है तो अच्छा रहेगा और ओल्ड इन्वेस्टमेंट से भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा। 16 जून के बाद तो फॉरेन रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, अगर आप बच्चे विदेश में हैं आपके तो उनसे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कोई आपका बिजनेस फॉरेन में है तो आपका बिजनेस पार्टनर आपको गुड न्यूज़ देगा। Things will be performed as per your expectations and you will enjoy comforts and resources. आपके comforts में वृद्धि होगी, नौकर चाकरों में वृद्धि होगी, sudden foreign trips होंगे, या ये भी हो सकता है business से संबंधित या holidays मनाने के लिए अब विदेश में जाएं। Things will be on better side and you will enjoy comfort and resources. लेकिन इस महीना 7 जून के बाद आकस्मिक धन लाभ, 12 जून के बाद आकस्मिक धन लाभ और 16 जून के बाद अल्टीमेट रहेगा, लेकिन ये महीना आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, हार्डवर्क करना है, फोकस रहना है और अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड और अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ धन आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, या कोई नई अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट ये आ सकती है। फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में ज़्यादा अच्छे रहेंगे कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ। आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा अगर आप मैरिड हैं, अगर आपका ये अफेयर चल रहा है तो आपकी लव लाइफ एक्सीलेंट चलेगी, लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द जो मंथ है वो आपकी लव लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये महीना खास करके आपको आपके स्पाउस से काफ़ी अच्छे टाइकअप देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न आपके रह सकती है क्योंकि वीनस कंबस्ट है। सो ओवरऑल टॉरस मंथ ऑफ जून 2024 आपके लिए एक तरफ से अच्छे खासे रिसोर्सेज लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ से खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं, स्किन रिलेटेड एलर्जी आपको हो सकती है, इन सब चीज़ों से थोड़ा संभल के चलें। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून में नहीं करना, किसी को ना पैसे उधारी देने हैं ना लेने हैं। फाइनेंशियल टाई अप्स आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है, डॉक्यूमेंट कोई भी साइन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में एक्सपर्ट्स के एडवाइस लिए बिना कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। रेमेडी नंबर 1, 8 किलो देसी घी फ्राइडे वाले दिन धर्म स्थान पर गुरुद्वारा साहब में डोनेट करें। सारा महीना एवरी फ्राइडे आपने 8 kg देसी घी धर्म स्थान पर डोनेट करना है। रेमेडी नंबर 2 आपके लिए टॉरस सबसे ज़रूरी है वाइट टोपास और एमरल्ड आप गले में डाल लें। महादशा कौन सी है ये चेक कर रहे हैं अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। रेमेडी नंबर 3 लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण कर रहे हैं हर रोज सुबह। रेमेडी नंबर 4 5 मूली पत्ते तोड़कर डस्टबिन में फेंक दें, मूलियां सिर से 5 बार घुमा के संडे नाइट चलते पानी में जल प्रवाह करें। एवरी संडे यू नीड टू परफॉर्म दिस रेमेडी और अपने फादर की अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। तो महीना आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज और कुछ रिवार्ड्स लेकर आने वाला है। बैठने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है, परफॉर्म करने का समय है। चले बात शुरू करते हैं जेमिनी एसेंडर्स की। जेमिनी एसेंडर्स मंथ ऑफ जून 2024 सबसे पहले बात करेंगे प्लैनेट्स के पोजीशन की, डायनामिक्स की। देखिए आपके जो लगन के लॉर्ड हैं मरकरी 1 जून से लेकर 15 जून तक टॉरस साइन में, फ्रेंडली साइन टॉरस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और 3rd या 4th जून से ये कंबस्ट भी हो जाएंगे और 15 जून के बाद 15 जून से लेकर 30 जून तक जो बुध है वो आपके खुद के साइन आपके लगन में जेमिनी साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। देखिए शनि की जो पोजीशंस हैं इस महीना 1 जून से 28 जून तक की, शनि आपके भाग्य के घर में मार्गी अवस्था में रहेंगे। 29 जून से जो शनि है वो वक्री हो जाएंगे आपके 9th हाउस में और शुक्र जो है 1 जून से 12th जून तक आपके 12th हाउस में चलेंगे टॉरस साइन में बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ। सूर्य भी 13 जून तक आपके 12th हाउस में है, उसके बाद जो सूर्य हैं वो आपके 1st हाउस में आ जाएंगे मंथ एंड तक। गुरु इस सारा महीना आपके 12th हाउस में चलेंगे, 7 जून को जुपिटर जो हैं गुरु वो उदय हो जाएंगे। तो ये तो है मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन। सबसे पहले बात शुरू करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए जो पहले 15 दिन हैं आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है। ये टाइम आपकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अच्छा ना होगा। ये टाइम आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, दिमाग के घोड़े बड़े दौड़ रहे हैं, डीप थॉट्स में आप जाएंगे और उस थॉट्स से आपको कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी सोच है वो बड़ी डीप जाएगी।
ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। पहले 15 दिन आपकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा अच्छे नहीं है, जिसमें आपको टीथ से रिलेटेड ट्रबल या मुंह से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जेमिनी आपको हो सकती है। इस टाइम में अपने नर्वस सिस्टम का आपने केयरफुल होकर चलना है। एक बार इस महीने के पहले 15 दिनों में अपना ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट जरूर करवाएं। बुध का गोचर आपके 12th हाउस में 1st जून से 15 जून तक आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। 15th जून से 30th जून तक मरकरी बुध ट्रांजिट इन योर 1st हाउस, विच विल गिव यू वेरी गुड यू नो टाइम रिलेटेड टू योर हेल्थ। आपकी हेल्थ बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, मेंटल थॉट्स आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देने लग जाएंगी। जो पहले 15 दिनों में दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे लेकिन उनसे रिजल्ट्स नहीं अच्छे मिल रहे थे, दूसरे 15 सेकंड पार्ट ऑफ द जो मंथ है यू नो जब खास करके बुध आपके लगन में आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके आपके जो एफर्ट्स भी होंगे वो भी आपको रिजल्ट्स देंगे, जो आपकी प्लानिंग्स होंगी वो भी आपको चमत्कारी वे से आपको रिजल्ट्स देंगी। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ जून 2024 विल बी बेनिफिशियल रिलेटेड टू यूर हेल्थ एंड रिलेटेड टू यूर मेंटल स्टेबिलिटी। इस समय में आप बड़े क्रिएटिव काम भी करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग्स आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, जिनको आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब अगर बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो पहले 15 दिन आपको कोई फॉरन ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में, जुपिटर 12th हाउस में, वीनस 12th जून तक आपके 12th हाउस में, सन 13 जून तक आपके 12th हाउस में, तो ये टाइम आपने आपको फॉरेन रिलेटेड कोई कनेक्शंस आपके बनेंगे, या अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखी है, तो भी पहले 15 दिन आपको कोई ना कोई खुशखबरी रिलेटेड टू योर फॉरेन सेटलमेंट ही आपको मिलेगी। लेकिन इस समय में आपने लिटिगेशन से बच के चलना है, किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ानी, किसी की जिम्मेवारी में नहीं फंसना। ये टाइम आपके लिए एक साइड से अगर कुछ पॉजिटिव इवेंट्स लेकर आ रहा है, खास करके इन्वेस्टर्स के लिए जो फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं या फॉरेन में जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन पहले 15 दिन में है, लेकिन साइड बाय साइड कोई लीगल मैटर्स राइज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, और हर्डल्स और ऑप्टिकल्स का सामना आपको इस समय फेस करना पड़ेगा। ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आएगा। पहले 15 दिन जहां आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउनफॉल में चलेगी, वहीं आपको आपके इन्वेस्टमेंट से उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। लेकिन फॉरेन किसी फ्रेंड के साथ आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे डेवलप होंगे, या फॉरेन किसी पार्टनर्स आपके साथ ज्वाइन होंगे, things will be performed beyond your expectation related to foreign activities. Gemini, अगर आप विदेश में कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या किसी किस्म का कोई प्रयास foreign settlement से संबंधित कर रहे हैं, तो first 15 days of June 2024 is a highly beneficial and benefited for you. लेकिन पहले 15 दिनों में आपने लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, तो अपने आपको लेजी नहीं बनाना, किसी भी चीज़ को कल पे नहीं डालना, टाइम टू टाइम सारे काम करने हैं, ना किसी को पैसे उधारी देने हैं ना लेने हैं। पहले 15 दिन जून के आपके लिए जेमिनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। सिर्फ वो बिजनेसमैन जो फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए टाइम ज़रूर प्रॉफिटेबल रहेगा। या इस समय में भी फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न्स ये बनते हुए दिखते हैं। बट ओवरऑल पहले 15 दिन कोई बड़ा डिसीजन अपने बिजनेस में ना लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, क्रूशियल रहेगा, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी, और इसमें उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस से जैसे आप चाहते हैं या जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो जो भी करें बहुत केयरफुल होकर करें और अलर्ट होकर करें, क्योंकि पहले 15 दिन अगर आप बिजनेस में कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, खास करके वो लोग जो अपने होम टाउन में हैं या होम कंट्री में हैं, उनके लिए रिटर्न्स ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी या आपकी इन्वेस्टमेंट्स एक सही डायरेक्शन में नहीं होंगी, और आपको बहुत संभल के चलना है पहले 15 दिन। लेकिन फॉरेन रिलेटेड चीज़ें पहले 15 दिन आपके लाभ वांछित करेंगी, और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आपको विदेश से 1st जून से 15th जून तक मिल रही है जेमिनी, तो डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स मुझे आते हुए दिखते हैं, क्योंकि डायनामिक्स आपके उस तरह के फेवर में है। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी से थोड़ा बच के चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अब बात करें अगर सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में, तो यहाँ पे लक आपका बहुत शाइन करेगा। 15th जून से 30th जून तक आपके असेंडेंस के लॉर्ड मरकरी आपके असेंडेंस में गोचर करेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। योर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मनी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज।
योर आइडियाज, योर क्रिएटिव आइडियाज विल गिव यू लॉट ऑफ गेन्स। जो आपके दिमाग में आइडियाज हैं, आप 15 जून के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द जून 2024 भी आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन लैंड, इन द टर्म्स ऑफ न्यू टाई अप, न्यू पार्टनरशिप ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स। खास करके जो लोग विदेश में सेट होना चाहते हैं या विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी 15 जून 30 जून का टाइम आपको लव वंचित करेगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज। 15 जून टू 30 जून आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक समय में आपको आपके पार्टनर से, आपके वेल विशर से, दोस्तों से बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी और ये समय आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है जेमिनी। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर सेकेंड पार्ट ऑफ द जून 2024 में परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिटेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस मंथ में सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में जब लगन के लॉर्ड मरकरी आपके लगन में ट्रांजिट करेंगे, हेल्थ में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस रिलेशनशिप आपको बहुत बेनिफिट देंगे, आपके दोस्त, आपके वेल विशर या आपके बिजनेस पार्टनर्स की डीलिंग आपके साथ बड़ी पॉजिटिव रहेगी। जेमिनी सेकेंड पार्ट ऑफ द जून 2024 आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। इस समय को जाने ना दें, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लड़ाई झगड़ा कला कलेश में आपने इस मंथ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो पहले 15 दिन तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में अगर आपको लिटिगेशन में या किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हो तो एक पॉजिटिव टाइम को आप मिस कर जाएंगे। तो आप इस समय सिर्फ फोकस रहें मंथ ऑफ द जून में अपने मिशन की ओर, अपने टारगेट्स की ओर, और इस महीना सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको देखने को मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी यहाँ पे ब्रोकरेज से या कुछ अदर सोर्स ऑफ अर्निंग आपके एक्टिव होंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत रिवार्डिंग रहेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके सीनियर्स उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ बिजनेस एंड यू विल एंजॉय अ लॉट ऑफ मनी। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, मनी मैटर्स आपके बेटर्स होंगे, डेट्स आपके क्लियर होंगे और ये टाइम आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये टाइम आपके वेल विशर दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, सीनियर से आप वाह वाह बटोरेंगे और इस समय में आपकी कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट तक हो सकती है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो डेफिनेटली सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी हाईली बेनिफिशियल और यू मे गेट प्रमोटेड। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको भी अच्छा खासा मुनाफा बनता हुआ दिखता है। 15 जून से 30 जून का टाइम आपके लिए रिवार्डिंग रहेगा और ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये समय को जाने ना दें। कहते सही समय पर किया गया सही कार्य वो आदमी को तह उम्र बेनिफिट देता है। तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही प्रोडक्टिव है और रिवार्डिंग है। इस समय का बेनिफिट उठाएं एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और इस समय में भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, इस समय में लग्जरी में भी वृद्धि होगी। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आने से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। 15 जून टू 30 जून इज अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू। हेल्थ में पॉजिटिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग है, सीनियर्स आर वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट या समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी विच इज कनेक्टेड टू योर रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में 15 जून से 30 जून तक आएंगे। तो इस समय में जेमिनी आपने परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, इधर उधर आगे पीछे नहीं देखना, सिर्फ अपने गोल की ओर फोकस करें तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा। स्पेशली 15 जून टू 30 जून का टाइम आपके लिए सुनहरी अवसर और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जो आपको आपके नियर फ्यूचर में आपके लिए लाहेमंद होंगी। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। अगर देखें तो ये महीना पहले 15 दिन आपने जेमिनी अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है। वीनस 12 जून तक कंबस्ट हैं आपके 12th हाउस में, हालांकि ऑन साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं और 12th हाउस काल पुरुष की कुंडली में बड़ी बेनिफिटेड है वीनस के लिए और 5th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में है। गर्लफ्रेंड के साथ, लवर के साथ जेमिनी एसेंडेंस आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून 2024 में। कोई ये भी हो सकता है कोई आपका रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हो रखा था या कोई आपका लव अफेयर जो काफ़ी समय से आपको लग रहा था कि काम नहीं कर रहा वो अचानक से काम करेगा। आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ मोमेंट्स अच्छे रहेंगे, आप
अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन 12th हाउस में वीनस इंसान को करेक्टरलेस बनाता है, 12th हाउस में वीनस इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिलाता है। अगर आप अनमैरिड है तो भी आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उधर से गुरु और शुक्र की भी युति हुई पड़ी है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर रह सकता है। और ये समय आप बहुत ही अच्छा टाइम अपनी फैमिली, अपने गर्लफ्रेंड, लवर, दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे। लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब शुक्र और बुध की युति आपके लगन में होगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू, सेल्फ रिस्पेक्ट आप कमाएंगे, ये टाइम आपको गेंस भी होंगे, फैमिली की फुल एंड सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस आपके आपको सपोर्ट देंगे, मेंटल पीस आपको मिलेगा, हेल्थ वेल्थ अनएक्सपेक्टेड गेंस फ्रॉम स्टॉक मार्केट आर देयर। सो आपको फैमिली की सपोर्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में ज़्यादा अच्छी मिलेगी जब शुक्र लगन में आ जाएंगे। लेकिन इस सारा महीना वीनस कंबस्त रहेंगे, तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। बट ओवरऑल आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा चलेगा। ये टाइम आप अपनी फैमिली के साथ सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जा सकते हैं, मौज मस्ती पे हॉलीडेज के लिए जा सकते हैं। थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज। लेकिन अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहें, अपनी फोकस रहें अपनी चीज़ों को लेकर, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ, या आप अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा लेकर चलें। मंथ ऑफ द जून जेमिनी आपको सुनहरी मौके देगा और इस मौके को आपने जाने नहीं देना। खास करके 15th जून टू 30th जून टाइम बहुत अच्छा है। 29 जून के बाद जब शनि आपके भाग्य के घर में यू नो रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे, तो सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी होगी, जिसका रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जून का महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। इस महीने में जो आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में रेमेडी करनी है, रेमेडी नंबर 1, गणेश भगवान की उपासना करें। वैसे तो सारा महीना 1st जून से 30th जून तक हर रोज सुबह डे स्टार्ट करें गणेश भगवान की चालीसा से, 3 बार 5 बार या 7 बार गणेश भगवान की चालीसा का उच्चारण करें और मोतीचूर के लड्डू गणेश भगवान को भोग लगाएं। और वेनसडे और सैटरडे नाइट 1st जून से 30th जून तक अपने काली माता को मोतीचूर के लड्डुओं का शाम के समय भोग लगाना है। 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम 1x1 एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम योर फोरहेड एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर, ये आप कर सकते हैं सैटरडे मॉर्निंग। ये स्मॉल स्मॉल रेमेडी आपके लिए अच्छी रहेंगी। एक एमरल्ड आपने अपने गले में डाल लेना है, साथ में व्हाइट टोपाज के साथ गोल्ड में मढ़ाकर। कैरेट होना चाहिए, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की क्या डिग्री है या आपके बॉडी का वेट कितना है, इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि आपने कितने कैरेट का व्हाइट टोपाज डालना है, कितने कैरेट का आपने एमरल्ड डालना है। इस स्टोन्स डालने से आपकी हेल्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके रिलेशनशिप, आपकी इनकम, आपके रिसोर्सेज, ये आपके बहुत अच्छे चलेंगे। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और ये स्मॉल स्मॉल रेमेडीज करने से पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इस महीने अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर कुछ ना कुछ तोहफा देते रहें, उनकी ब्लेसिंग्स बड़े भाई बहनों की या छोटे भाई बहनों की लेते रहें। जितना ज़्यादा आप अपनी मासी बुआ से अपने रिलेशनशिप या सिस्टर इन लॉ से अच्छे रखेंगे उतना ज़्यादा ये महीना आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की, यानी कि करक लगन की। सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की। देखिए 1st जून से लेकर 30th जून तक आपके भाग्य के मालिक बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, लेकिन 7 जून तक कंबस्त रहेंगे। और आपके 1st जून से 12th जून तक वीनस जो हैं वो भी आपके 11th हाउस में बृहस्पति के साथ हैं, वो भी कंबस्त हैं। 1st जून से 30th जून तक सूर्य भी आपके 11th हाउस में हैं। और 12th जून से लेकर मंथ एंड तक जो वीनस होंगे जेमिनी साइन में गोचर करेंगे। सूर्य 13th जून को 11th हाउस से निकल कर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 1st जून से 15th जून तक मरकरी आपके टॉरस साइन 11th हाउस में गोचर करेंगे। 15 जून से 30th जून तक बुध भी आपके 12th हाउस में ओन साइन में सूर्य और शुक्र के साथ युति बनाकर, कंजक्शन बनाकर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 29 जून के बाद जो शनि हैं वो आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, सो यू बी केयरफुल एंड अलर्ट। लेकिन 1st जून से 28 जून तक जो शनि हैं वो मार्गी रहेंगे। तो ये मेजर प्लैनेट्स की डायनामिक्स की पोजीशन है। 1st जून को मार्स जो हैं वो भी एरीज साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे आपके 10th हाउस में, विच विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन द मंथ ऑफ जून। सो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेके ये महीना आपके लिए बड़ी पॉजिटिव है। चीज़ें फार फार बेटर होंगी इन द मंथ ऑफ जून। यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज।
मेंटली स्टेबिलिटी है, माइंड बड़ा फ्रेश है, और ये टाइम हेल्थ को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो रिजॉल्व होंगी एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ इन द मंथ ऑफ जून 2024। अब बात करेंगे आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें कैंसर असेंडर्स, तो ये महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है। 7 जून से जैसे ही बृहस्पति राइज होंगे, भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। पहले 15 दिन आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग आने वाले हैं, व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, या आप किसी सरकार से संबंधित कोई बेनिफिट चाहते हैं, तो ये सारा महीना जून कैंसर आपके लिए अल्टीमेट है। मंगल का गोचर, मंगल का संचार, मार्स का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका यहाँ पर काफ़ी अच्छा कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़ी वाह वाही आपको मिलेगी। थिंग विल बी परफॉर्म वंडरफुली। बिजनेसमैन के लिए महीना, खास करके पहले 15 दिन आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको भरपूर आपको फायदा मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उससे बेनिफिट मिलेंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स, कंफर्ट्स, एंड यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। जॉब में है तो टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल का संचार करना ये आपके लिए कोई आम बात नहीं है। इस समय में आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित जो परेशानियां थी उससे आपको निजात मिलेगी, या कार्य व्यवसाय जॉब से संबंधित कोई इश्यू चल रहे थे, तो 1 जून से लेकर 30th जून तक का टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल 1 जून को राहु केतु के एक्सिस से बाहर आकर आपके कर्म स्थान पर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। ये टाइम आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके फादर से कोई बहुत अच्छी हेल्प या कोई बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है, और अगर आप उनकी एडवाइस को या उनकी हेल्प को अपने काम में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ गेन्स एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। मंगल का गोचर आपके दशम भाव में आपके लिए कार्य उन्नति व्यवसाय में तरक्की लेकर आ रहा है। उधर से जुपिटर 11th हाउस में आपके कार्य से आपको बेनिफिटेड रिजल्ट्स दे रहे हैं। 10th हाउस है आपके कर्म का स्थान, 11th हाउस है आपके कर्म से मिला हुआ आपको बेनिफिट। तो मार्स ट्रांजिट इन 10th हाउस विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स, एंड जुपिटर ट्रांजिट इन 11th हाउस विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून 2024। यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर सिबलिंग्स, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय रिसोर्सेज, यू विल बी यू नो वेरी मच पॉजिटिव रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ इन द मंथ ऑफ जून। If you're willing to start anything new, then June month will be a biggest game changer and positive time for you. You may start anything new related to your business or investments. अगर stock market में investments कर रखी हैं, तो पहले 15 दिन आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि गुरु शुक्र सूर्य की दृष्टियाँ आपके 5th हाउस में रहेंगी, जो आपके लिए गेन्स के सुनहरे अवसर लेकर आएंगी। लव अफेयर के मामले में टाइम अच्छा है, क्रिएटिविटी के मामले में टाइम अच्छा है। जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट रन करके बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी टाइम अल्टीमेट है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पे है, और इधर से गुरु की 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है। तो मंथ ऑफ द जून आपके लिए बहुत ही अच्छे एडवांटेज लेकर आ रहा है। लेकिन शनि का 8th हाउस में ट्रांजिट आपको कुछ स्ट्रगल, कुछ हैसल्स देता रहेगा, कुछ छोटे छोटे चैलेंज आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का फिर आपने ध्यान रख के चलना है, अपने फाइनेंसिस का ध्यान रख के चलना है। लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा, सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा, मंगल की महादशा, तो क्या कहने आपके। ये टाइम आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। आपके लिए जून का महीना करक लगन के लोगों के लिए अल्टीमेट है, एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस, लिक्विड मनी आर देयर। खास करके जब पहले 12-13 दिन सूर्य 2nd हाउस के लॉर्ड 11th में होंगे, तो ये टाइम आपके लिए फाइनेंस को लेकर और आपके यू नो सेविंग्स को लेकर, FDRDs को लेकर अल्टीमेट है। और ये भी कुछ योग यहाँ पर बन रहे हैं कि अचानक से आपको स्टॉक मार्केट से या जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपको प्रीशियस मेटल्स बाय कर रहे हैं, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। देखिए जो सेकंड पार्ट ऑफ द जून है,
इसमें थोड़ा खर्चे का लेवल बढ़े चढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे, हो सकता है बिजनेस तो या हॉलीडेज मनाने के लिए आप बाहर जाएं, समथिंग इज देयर जिसमें पैसे का खर्चा भी आपका बना रहेगा। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में विदेश से कोई आपको बड़ा ऑर्डर या विदेश से कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपके बच्चों से संबंधित, आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित, जो फॉरेन से कनेक्टेड होगी। लेकिन पहले 15 दिन तो आपके लिए अल्टीमेट है इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अब ये नहीं है कि 15 जून के बाद आपकी अर्निंग नहीं है, 15 जून के बाद भी अर्निंग है, लेकिन पहले 15 दिन आपको बंडल्स ऑफ मनी या बंडल्स ऑफ गेन्स ये आपको हो सकते हैं। और सेकंड जो पार्ट ऑफ द जून है उसमें गेन्स का लेवल थोड़ा कम होगा, खर्चे साथ में राइज होंगे, कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। लेकिन 9th लॉट ट्रांसिट इन 11th हाउस विल डेफिनेटली गिव यू गुड फॉर्चून एंड योर गुड फॉर्चून स्माइल एंड योर ऑल थिंग्स विल बी ऑन स्ट्रीम लाइन इवन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द जून 2024 बिकॉज मार्स इज ऑल्सो ट्रांसिट इन ओन साइन इन एरिस साइन इन 10th हाउस विच इज वंडरफुल पोजिशन फॉर मार्स। खास करके जो लोग मिलिट्री में हैं या डिफेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनकी भी यहाँ पे प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, मंथ ऑफ जून आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा चल रही, क्योंकि शनि अष्टम है और 29 जून को शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 8th हाउस में, उनके लिए थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर है। बट ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगी, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी और आपके स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, अनमैरिड लोगों के रिश्ते की बातचीत ये मंथ ऑफ जून में चलेगी या आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। शुक्र कंबस्त है तो जो भी डिसीजन लें थोड़ा सोच समझ के लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, हॉरोस्कोप की मैच मेकिंग करा के अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में प्लान करें। लेकिन मंथ ऑफ जून प्रोफेशनली पर्सनली मेंटली इज अ वंडरफुल मंथ फॉर यू। चाहे वीनस कंबस्त आपके 11th हाउस में पहले 12 दिन गोचर करेंगे, लेकिन ये टाइम आपके लिए जबरदस्त रहेगा जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स और डिजायर्स होगा, या कोई ऐसा बड़े कार्य होगा जो काफ़ी देर से रुका पड़ा था वो अचानक हो गया। 12th जून के बाद वीनस आपके 12th हाउस में कंबस्त अवस्था में मंथ एंड तक ट्रांजिट करेंगे, तो ये भी टाइम आपके लिए लग्जरी पे आप पैसा स्पेंड करेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स पे पैसा स्पेंड करेंगे, फॉरेन बिजनेस रिलेटेड ट्रिप या फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर फॉरेन में ये आपका हो सकता है। समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी इन द मंथ ऑफ जून रिलेटेड टू योर इनकम, योर रिसोर्सेज एंड योर यू कैन से योर बिजनेस प्रोफेशन विल बी लाइमलाइट। इस समय में आप लाइमलाइट में रहेंगे। हालांकि शनि अष्टम है, लगन से या चंद्र राशि से देखें तो शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और शनि बहुत बड़े कार्मिक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाग्य का मालिक 11th में है, मंगल 10th में है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। और ये महीना आपके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं होगा इन द टर्म्स ऑफ यूर बिजनेस, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर जॉब एंड रिलेशनशिप विद योर फादर विल बी गुड एंड हेल्थ ऑफ योर फादर विल बी फाइन। आपको इस समय का एडवांटेज लेना है कैंसर, फोकस्ड रहें, अपनी परफॉर्म दें, अपना परफॉर्म देते रहें और मंथ में बेनिफिट लेते रहें। स्पाउस के साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते निखर के बाहर आएंगे, बच्चों से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ये टाइम आपको प्रोफेशन फ्रंट और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अल्टीमेट है। मंथ ऑफ जून में आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना ज़्यादा राइज करेंगे। छोटे मोटे चैलेंज हैं लेकिन आप उन चैलेंज को ओवरकम करेंगे, उन चैलेंज को क्रॉस करके आप विन हासिल करेंगे, बिकॉज 10th हाउस में मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी अपने खुद की राशि में आपको लाभांशित करेगी। लेकिन मदर की हेल्थ का मंथ ऑफ जून में थोड़ा ध्यान रख के चलें, क्योंकि इस समय में आपके मदर के साथ रिश्ते या मदर की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मंथ ऑफ जून में मुझे करक लगन आपके लिए बनती हुई नहीं दिखती, सिर्फ परफॉर्म करें। रेमेडी नंबर 1 मंथ ऑफ जून की कैंसर असेंडेंस आपके लिए, हनुमान चालीसा हर रोज रात को पढ़ें 3 बार 5 बार या 7 बार। 4-फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर के आगे जगाएं। इवन 1st जून से लेकर 30th जून तक हर रोज रात को सूर्य अस्त होने के बाद ये करें। और रेमेडी नंबर आपके लिए 3 सबसे ज़्यादा जरूरी, कॉपर का एक छला लेके रिंग फिंगर में, चीची के साथ वाली रिंग फिंगर में, जिसको हिंदी में अनामिका बोलते हैं, इसमें आप डालें और मंथ ऑफ जून में बेनिफिट लें। एक येलो सफायर और एक पर्ल गोल्ड में मड़ाकर अपने गले में डाल लें। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए ये महीना आपके कंफर्ट्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए, फॉरेन गेट टुगेदर, फॉरेन बिजनेस के लिए अल्टीमेट है। लेकिन खर्चा सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में बढ़ेगा, तो उसमें थोड़ा लगाम देके चलें, लेकिन ओवरऑल इनकम इस सारा महीना आपकी बड़ी अच्छी रहेगी।
अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की। लियो सबसे पहले बात करेंगे जून 2024 में डायनामिक्स की पोजीशन की। देखिए शनि 1 जून से 28 जून तक डायरेक्ट है, 29 जून से शनि जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे आपके सेवंथ हाउस में, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। और उसके बाद बृहस्पति इस महीना 1 जून से 30 जून तक आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं पर ट्रांजिट करेंगे। 7 जून तक वो कंबस्त हैं, 7 जून के बाद वो राइज होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दृष्टियां गुरु की 2nd, 4th और आपके 6th हाउस में होंगी, जो भी वो दृष्टियां भी आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। सूर्य का गोचर, लगन के लॉर्ड का गोचर 13th जून तक आपके टॉरस साइन में आपके रहेगा, जो कि आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, लेकिन भाग्य के घर में होने की वजह से यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे। और 30 जून से मंथ एंड तक सूर्य का गोचर आपके जेमिनी साइन में 11th हाउस में होना शुरू होगा, सॉरी फर्स्ट पार्ट में जून में जो सूर्य का गोचर है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है, उसके बाद सूर्य का गोचर आपके 30 जून से मंथ एंड तक आपके 11th हाउस में होगा, जो कि आपके लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मंगल का गोचर जो है 1 जून से 30 जून तक एरी साइन में होगा, जो आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक यहाँ पर सिद्ध होगा। और आपके 9th हाउस में मंगल का गोचर होने से भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए मंथ ऑफ जून पहले 13 दिन आपको थोड़ा अलर्ट होकर चलना है, हेल्थ रिलेटेड कुछ ट्रबल, बोन्स रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे राइज हो सकते हैं, आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ऑक्सीजन लेवल आपका थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा सा संभल के बच के आपने चलना है। पहले 13 दिन आपकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। इस समय में बैक बोन रिलेटेड ट्रबल या सांस लेने से रिलेटेड ट्रबल या बोन्स हड्डियों से रिलेटेड कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए हेल्थ रिलेटेड नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेकर आएगा। अगर जो पहले 12-15 दिन कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ द जून में आपके रिजॉल्व होंगे। लियो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 13th जून से लेकर 30 जून का पीरियड, मंथ एंड तक का पीरियड आपके लिए लाहेमंद रहेगा। यू विल इंजॉय वेरी गुड हेल्थ विद लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, सराउंडिंग आपकी अच्छी है, थॉट्स आपकी बड़ी पॉजिटिव है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द जून में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को देखें तो पहले 13-14 दिन आप कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि 7 जून तक कर्म स्थान पर चाहे बृहस्पति अस्त हैं और शुक्र भी आपके 12 जून तक आपके जो गोचर कर रहे हैं टॉरस साइन में 10th हाउस में, वो भी कंबस्त हैं। हालांकि शुक्र ने तो सारा महीना कंबस्त रहना है, लेकिन उसके बावजूद कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे, और वो साइन करने से पहले एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, सोचें समझें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लें, उसके बाद कोई काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए ये टाइम आपके लिए कुछ गेंस, फाइनेंशियल गेंस भी लेकर आएगा, लेकिन मात्रा गेंस की उस तरह की नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। फादर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, फादर से कोई एडवाइस मिल सकती है, फादर के साथ टाई अप बहुत अच्छे हैं, लेकिन 9th हाउस में मंगल की एनर्जी आपके लिए अल्टीमेट है, जिसमें भाग्य का सहारा मिलता जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जाएंगे, रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे, पेंडिंग वर्क क्लिक होने से फाइनेंशियल टाई अप्स आपके और अच्छे होंगे, या कोई नई अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग योर मनी आएगी। फॉरन रिलेटेड ट्रांजेक्शन विल मेक यू हैप्पी, यू विल इन्जॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज, things will be performed wonderfully and you will bless with a lot of financial gains. Mangal ka gochar aapke 9th house mein aapko mental peace bhi de raha hai, aapko religious activities pe bhi leke ja raha hai, aapke bhagya ka aapko bharpoor fayda milega ki aapke sare kaam jo pending the aur jo khaas karke videsh se sambandhit pending the wo click honge, aur ye time aapke business se related unexpected monetary gains aapko dekhne ko milenge। लाभ की मात्रा जून मंथ में लियो आपके लिए बढ़ेगी, और इस सारा महीना रुक रुक के धन लाभ होगा, और काफ़ी अच्छी मात्रा में धन लाभ सेकेंड पार्ट ऑफ द जून 2024 में होगा। ये टाइम आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, फोकस्ड बढ़ेगा, और आप अपने काम को चुटकी बजा के करते जाएंगे। लियो ये महीना आपके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। इस महीने मंगल की ऊर्जा जो आपके 9th हाउस में है डेफिनेटली टेक यू नेक्स्ट लेवल इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। ये टाइम आपका धर्म कर्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। अगर आप योगा टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं,
टीचर हैं, लेक्चरार हैं, या किसी किस्म का भी आप एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, तो भी बृहस्पति की सेकंड हाउस पे फिफ्थ एस्पेक्ट आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव है। कंसल्टेंसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो भी आप यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, और ये टाइम आपकी सेविंग्स राइज होंगी, और आप FDRD खोलेंगे, कोई प्रीशियस मेटल आप जून में बाय करेंगे, और ये टाइम ये भी हो सकता है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी 7 जून के बाद बाय करें। आपके मदर की हेल्थ 7 जून के बाद अच्छी हो जाएगी, कंफर्ट्स में राइज होगा, नौकर चक्कर बढ़ेंगे। ये टाइम 7 जून के बाद आपके डेट्स क्लियर होंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस सोल मंथ इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। देखिए, शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, 1 जून से 28 जून तक शनि यहाँ पर मार्गी रहेंगे। 28 जून के बाद शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 29 जून से, तो समय थोड़ा सा अच्छा आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि वक्री शनि की लगन पर दृष्टि होगी, तो वहाँ पे आपको अलर्ट और केयरफुल होके चलना होगा। बट ओवरऑल जून का महीना तकरीबन 28 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें मंगल की ऊर्जा, सूर्य का गोचर आपके 10th और आपके 11th हाउस में आपके लाभ को बढ़ाएगा। 13th जून के बाद जैसे ही सूर्य आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई लोन अप्लाई करेंगे क्लिक हो जाएगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर या विशेज होगा। ए टाइम यंगर सिबलिंग से आपको सपोर्ट मिलेगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय कंफर्ट रिसोर्सेज, एंड दिस इज अ अल्टीमेट टाइम व्हेन यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। जो पहले 13-14 दिन आपने एफर्ट्स किया है, थोड़ा गेन कम रहा, लेकिन जैसे ही सूर्य आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, वहाँ पे एक चमत्कार होंगे कि आपके हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आर देयर, एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी आफ्टर 30th जून 2024 व्हेन सन ट्रांजिट इन योर 11th हाउस एंड कंजक्शन विद मर्करी एंड क्रिएट अ बुद्ध आदित्य योग। 11th लॉर्ड 11th में होंगे, ऊपर से लगन लॉर्ड भी 11th में जाने से धन योग का निर्माण होगा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज एंड डिजायर्स होंगी, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, जॉब में है तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आपकी सैलरी राइज होगी या एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग आपका ऐड होगा। तो ये महीना आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव है। इधर से मंगल 9th हाउस में, उधर से सूर्य 10th और 11th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी देगा, और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि लगन पे होने से इस सारा महीना, चाहे मार्गी है चाहे वक्री है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहेगी। उस कन्फ्यूजन को आप एक्टिव ना होने दें, ज़्यादा डीप थॉट्स में ना जाएं, परफॉर्म करें, बेस्ट करें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। शनि जहाँ बैठते हैं फायदा करते हैं, जहाँ देखते हैं नुकसान करते हैं, तो लगन पे सारा साल ही देख रहे हैं। अब आगे 29th जून के बाद जब रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होकर लगन को देखेंगे, तो ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज यहाँ पे होंगी। लेकिन 1 जून से 28 जून तक शनि की मार्गी दृष्टि जो आपके लगन पे जा रही है, कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट कर रही है, लेकिन साथ में जो मार्स, सूर्य, जुपिटर की एनर्जीज हैं, मर्करी की एनर्जीज हैं, इस महीना आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम करेंगी। फैमिली सपोर्ट आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, और ये टाइम आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये महीना आपके लिए प्रोफेशन और बिजनेस, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को लेके अल्टीमेट है। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मंथ ऑफ जून में आपने बिल्कुल भी शादी का प्रयास नहीं करना, या कोई अपॉर्चुनिटी ऑप्शन भी आए तो उसको 12th जुलाई तक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जून, आई एम टॉकिंग अबाउट जुलाई, 12th जुलाई तक होल्ड कर दें। 12th जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र राइज होंगे, उसके बाद आप उस प्रपोजल के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। रेमेडी नंबर 1, इस महीने में पहले 15 दिन जो आपने करना है, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और एक तांबे का सिक्का मिक्स करके चलते पानी में जल प्रवाह करें। हर संडे को पहले 2 संडे आपने जून महीने के करने हैं। इस सारा महीना आपने पिता के चरण स्पर्श करें, पिता के एडवाइस लें, और पिता के उतरा हुआ गोल्ड अपने गले में या अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डाल लें। येलो सफायर और रूबी अपने गले में डाल लें, पेंडेंट बना के, अपनी फिंगर्स में भी आप रूबी रिंग फिंगर में डालें और येलो सफायर इंडेक्स फिंगर में आप डालेंगे, तो डेफिनेटली भाग्य का सहारा, प्रोफेशन ग्रोथ आपको ही मिलेगी। अगर आप रूबी नहीं डालना चाहते तो कोरल डाल सकते हैं, लेकिन रूबी या कोरल दोनों में से एक स्टोन आपको आपके बॉडी पर होना ज़रूरी है, जिससे यूनिवर्स से, सोलर सिस्टम से, सन की लाइट से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और भाग्य आपका चमकेगा। और हनुमान जी की गाथा हर रोज़ रात को पढ़ें। हनुमान चालीसा कलयुग में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है,
नेगेटिविटी है, कर्जा है, मेंटल स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो हनुमान जी की चालीसा रोज रात को 3 बार 5 बार 7 बार आपने रीड करना है। हनुमान जी के मंदिर में ट्यूसडे सैटरडे नाइट को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना है, क्योंकि शनि की लगन पे मार्गी या वक्री दृष्टि आपका कोई नुकसान ना पहुंचाए या आप कोई गलत डिसीजन ना लो, हनुमान जी की शरण में जाएं, वहां से ब्लेसिंग्स लें, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो सैंडर्स। वर्गो आपके लिए जून 2024 सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की, यानी कि गोचर की। बुध का संचार आपके 1 जून से लेकर आपके 15 जून तक टॉरस साइन में होगा, जो कि आपके 9th हाउस में होगा, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। 15 जून से 30th जून तक बुध का संचार आपके 10th हाउस में जेमिनी साइन में होगा, विच इज़ अगेन वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। मार्स ट्रांजिट इन एरीज साइन इन योर 8th हाउस फ्रॉम 1 जून टू 30th जून। सैटर्न ट्रांजिट इन योर 6th हाउस इन दिस मंथ 1st जून 28th और जून सैटर्न इज डायरेक्ट इन 29th जून सैटर्न इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इन योर 6th हाउस। जुपिटर ट्रांजिट इन योर 9th हाउस 1st जून टू 30th जून एंड जुपिटर इज कंबस्ट टिल 7th ऑफ जून एंड आफ्टर 7th ऑफ जून टिल मंथ एंड जुपिटर विल बी राइज विच इज गुड फॉर यू। शुक्र का गोचर आपके 12th जून तक, 1st जून से 12th जून तक आपके 9th हाउस में टॉरस साइन में गुरु के साथ होगा। उसके बाद 12 जून के बाद शुक्र का गोचर आपके 10th हाउस में होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है मंथ एंड तक। सूर्य का गोचर 13th जून तक, 1st जून से 13th जून तक आपके 9th हाउस में है। उसके बाद सूर्य ट्रांजिट इन योर 10th हाउस एंड कंजक्शन विद मर्करी एंड वीनस। वीनस से सारा महीना 9th हाउस में भी 10th हाउस में भी कंबस्त हैं, अस्त हैं, जले हुए हैं, बहुत केयरफुल होकर चलें इस मामले में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेके। देखिए, हेल्थ को लेके बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा की आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस महीना वर्गो देखने को मिलेंगे। लगन लॉर्ड आपके 9th हाउस में 1st पार्ट ऑफ द जून में और 2nd पार्ट ऑफ द जून में आपके 10th हाउस में। आपकी हेल्थ को लेके पॉजिटिविटी बनी रहेगी, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, पॉजिटिव थाट्स आप लेंगे। टेंशन डिप्रेशन अगर चल रही थी तो जून महीने में वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी। इवन ये समय आपके लिए हेल्थ रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर कुछ पिछले महीनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी हेल्थ रिलेटेड, तो वो इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये महीना आपको बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी आपको आप इंजॉय करेंगे, मेंटल पीस इंजॉय करेंगे, फिजिकली फिटनेस आप इंजॉय करेंगे। लगन के लॉर्ड ही अगर 9th और 10th में ट्रांजिट करेंगे फ्रेंडली साइन में, तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। जून 1st वीक में हालांकि बुध कंबस्त होंगे, लेकिन बुध का कंबस्त होना कोई इतना बैड इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि हर साल एक बुध ही ऐसे प्लैनेट हैं, मरकरी ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे ज़्यादा वक्री और कंबस्त होते हैं। और मेरा ये मानना है जिनके ऑरोस्कोप में बुध कंबस्त हैं, तो समझ लें आपके ऑरोस्कोप में एक सन नहीं है, 2 सन है, क्योंकि बुध कंबस्त होते हैं सूर्य से और बुध को सूर्य की एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रिय है, या बुध के ऊपर जब सूर्य का इम्पैक्ट डिग्रीकली पड़ता है तो बुध के अंदर और पावर्स आ जाती हैं। तो बुध का रेट्रोग्रेड होना भी अच्छा है, बुध का कंबस्त होना भी अच्छा है। गुरु का शुक्र का कंबस्त होना अच्छा नहीं है, गुरु का वक्री होना अच्छा है, लेकिन कंबस्त होना गुरु का अच्छा नहीं है। शुक्र का वक्री होना अच्छा नहीं है, ना ही कंबस्त होना अच्छा है। सो बड़े मत हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनको ये 2-4 लाइनें हेल्प करेंगी। सो बात करते हैं मंथ ऑफ जून की, अब करेंगे बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस में पहले 15 दिन आपके कार्य कुछ रुक रुक के होंगे, लेकिन बुध का गोचर आपके 9वें भाव से आपके चीज़ों में 50-40% इम्प्रूवमेंट दिलाएगा। लेकिन ये टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल ज़रूर रहने वाला है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें। इस समय लगन लॉर्ड 9th जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको रुक रुक के भाग्य का सहारा मिलेगा, क्योंकि गुरु भी कंबस्त है, शुक्र भी कंबस्त है। 4-4 ग्रह आपके पहले 15 दिन आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, और चौकड़ी या समझ लो 4 ग्रह का ट्रांजिट ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। अगर कुछ अच्छा माना जाता तो वो पंचायत यानी 5 ग्रह का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। तो 9th हाउस की एनर्जी में एक मरकरी आपको सपोर्ट कर रही है, लगन लॉर्ड होने से रुक रुक के भाग्य का सहारा पहले 15 दिन मिलेगा, और जो डिलेज हैं वो कुछ कम होंगे, क्योंकि पिछले मई महीने में लास्ट मंथ में जून से पहले आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल थी, बहुत डाइसी सिचुएशन थी, मेंटल स्ट्रेस थी, लेकिन जून महीने में वो चीज़ें नहीं है। 1st जून से 30th जून तक थिंग्स विल बी योर नेक्स्ट लेवल, बट स्लोली स्लोली यू विल बी गेयर अप, कि आप जो भी होगा मंथ ऑफ जून में वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा,
कि नाइन्थ हाउस में जुपिटर कंबस्ट, वीनस कंबस्ट, चलो मरकरी कंबस्ट मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन गुरु और शुक्र जैसे प्लैनेट्स का कंबस्ट होना भाग्य के घर में वो एक अच्छा साइन नहीं होता। और यहाँ पे खास करके आपके बुध जो है 1 जून को 8th हाउस से निकल के 9th में जाएंगे, तो पहले 15 दिन चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए लगेंगे, लक का थोड़ा सहारा मिलता हुआ लगेगा। लेकिन जैसे ही बुध आपके 10th हाउस में 15th जून को जाएंगे, चमत्कार आपके साथ होंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द जून विल बी हाईली प्रोडक्टिव फॉर बिजनेसमैन एज वेल एज इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ जॉब, देन यू विल ब्लेस विद सम प्रमोशन और इंक्रीमेंट। 15th जून टू 30th जून आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, तो ये टाइम सेकेंड पार्ट ऑफ द जून आपके लिए अच्छा खासा धन लाभ लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो भी ये टाइम आपको अच्छे खासे गेंस दिलाने में कामयाब होगा। परिस्थितियाँ आपके लिए वर्गो बहुत ही पॉजिटिव जून महीने में 1st जून से 30th जून तक है, लेकिन जो लाहेमंद सिचुएशन है, फ्रूटफुल गेंस हैं, वो 15th जून से 30th जून है। हेल्थ बहुत पॉजिटिव है, वेल्थ अच्छी है, सेविंग्स राइज है, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग है, डेट्स क्लियर है, थिंग्स विल बी वंडरफुल। आपका विजन क्लियर होगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बुध का गोचर आपके कर्म स्थान पर आपकी चीज़ों को फार फार बेटर कर देगा, खास करके आपके बिजनेस जॉब में अगर कोई दिक्कत थी तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। फादर के साथ आपके टाइप अच्छे होंगे, यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाइप अच्छे होंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे। ये भी हो सकता है 15th जून के बाद आप लग्जरी पे पैसा खर्च करें, कोई नई गाड़ी या प्रॉपर्टी या रेनोवेशन घर की कराएं, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। लेकिन जो भी करें सोच समझ के करें, समझदारी से करें, बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ करें। जैसे सूर्य बुध की युति आपके कर्म स्थान पर सेकेंड पार्ट ऑफ द जून में होगी, तो आपके लिए अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे, आपको जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इन्वेस्टिंग योर मनी, आप कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। ये सारा टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, ये सारा टाइम मेंटल पीस आपको मिलने वाला है, ये सारा टाइम मेंटली ग्रोथ आप यहाँ पे देखेंगे। और इस समय में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी बनी रहेगी और चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करती जाएंगी। ये महीना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 15th जून के बाद कर सकते हैं। इस महीना अगर आप कोई वेट कर रहे थे कि आपका पैसा कहीं से आना था, तो भी 15th जून 2024 के बाद आपको मिलेगा। बिजनेस पार्टनर्स वर्गो इस महीना आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट 7 जून के बाद देने वाले हैं। आपका स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर 7 जून और 15th जून के बाद एक्टिव होंगे, आपको बहुत बड़ी सपोर्ट या कोई बहुत बड़ी एडवाइस देंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू विल अर्न रिस्पेक्ट, स्टेटस आपका बढ़ेगा, पोजिशंस आपकी बढ़ेंगी, मेंटल पीस आपको रहेगा, फिजिकली फिटनेस आप फील करेंगे, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे। ये मंथ जून का आपके लिए फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, क्योंकि लगन के लॉर्ड की पोजीशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून में भी अच्छी और सेकंड पार्ट ऑफ द जून में तो अल्टीमेट है। जब अपने खुद की राशि में बुध संचार करना शुरू करेंगे, गुरु 9th हाउस में 7 जून को राइज हो जाएंगे, तो आपको और क्या चाहिए। ये समय स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो 7 जून के बाद रिजॉल्व होगी, बिजनेस पार्टनर से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो 7 जून के बाद रिजॉल्व होगी। अगर आपके ऑपोजिशन आपको परेशान कर रहे थे, कंपिटिटर्स परेशान कर रहे थे, तो वो 7 जून के बाद तहस नहस हो जाएंगे और आप अपने एनिमीज पे विन हासिल करेंगे। वर्गो सेंडेंस काफ़ी समय के बाद एक पॉजिटिव महीना आपके लिए आ रहा है। इस महीने को जाने ना दें, परफॉर्म करें, ऑनेस्टी के साथ चलें। अब जॉब में अपने सीनियर्स के प्रति, अपने बॉस के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति लॉयल होकर चलेंगे, तो ये महीना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट या सडन फाइनेंशियल गेन्स आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से हट रहेंगे। बिजनेसमैन के लिए भी सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ हाईली बेनिफिटेड है। वेन यू विल एंजॉय गेन्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस and you will blessed with a lot of financial gains and a lot of new opportunities will knock you. This whole time you will be on next level in the terms of opportunity, in the terms of making money, and things will be performed beyond your expectations. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace, you will be on next level. Ab remedy number 1 Virgo aapke liye is mahina, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें, उनको कोई वेनसडे वाले दिन तोहफा दें, अपने सिस्टर को दें, बुआ जी को दें, मासी को दें, अपनी सिस्टर इन लॉ को दें। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस की टेक केयर करें, स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, स्पाउस को धुतकारें ना, ये रेमेडी के रूप में लेके चलें।
रेमेडी नंबर थ्री आपके लिए जो आपने जरूर करना है, इस सारा महीना आपने क्रीमेशन ग्राउंड में जाना है ट्यूसडे वाले दिन और वहाँ पे चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डाल के आनी है। कन्या लगन के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, इस सारा महीना जून 2024 में क्रीमेशन ग्राउंड में जाएं, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालें और वापस आ जाएं। ट्यूसडे वाले दिन इस सारा महीना ये करें, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। मेडिकल हेल्प ट्यूसडे वाले दिन किसी को दें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक एमरल्ड राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें तो डेफिनेटली ये महीना अनएम्प्लॉयड के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए एक्सीलेंट है, जॉब वालों के लिए एक्सीलेंट है, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होगी, मेंटल पीस आपको मिलेगा और चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा सैंडर्स तुला लगन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की, प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं इस महीने आपके लिए। बृहस्पति 1 जून से 30 जून तक आपके एट्थ हाउस में है और शुक्र का गोचर 1 जून से 12 जून तक आपके 8th हाउस में, लगन लॉर्ड अष्टम कंबस्थ भी है। सूर्य का गोचर 1 जून से 13th जून तक आपके 8th हाउस में है। बुध का गोचर 1 जून से 15 जून तक आपके 8th हाउस में है। 15 जून से 30 जून तक बुध आपके 9th हाउस में ऑन साइन में गोचर करेंगे। शुक्र 12 जून को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। मंथ एंड तक फ्रेंडली साइन मरकरी के साथ कंबस्थ अवस्था में ही रहेंगे। शनि इस महीना 1 जून से 28 जून तक आपके 5th हाउस में ही है और 29th में भी 5th में ही रहेंगे जून से, लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे 29 जून से, तो वो थोड़ा सा आपके लिए अलर्ट वाला सिस्टम यहाँ पर बनेगा। अब बात करते हैं इस महीने में आपकी हेल्थ की। देखें, जून का महीना आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा नहीं है, खास करके फर्स्ट पार्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, लीवर में स्वेलिंग हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, बॉडी के नीचे का हिस्सा बहुत संभल के चलें, सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई इश्यूज आपके हेल्थ से रिलेटेड मंथ ऑफ जून में राइज होंगे। पहले 15 दिन तो आपके लिए बहुत डेंजरस हैं, जिसमें आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है। बीपी थायराइड आपको होगा, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी, ये टाइम स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, जिसका इम्पैक्ट आपके मेंटल पीस पे पड़ेगा, जिससे हेल्थ और ज़्यादा इफेक्टेड होगी। तो पहले 15 दिन आपको अलर्ट होके चलना है। 12th जून के बाद लगन के लॉर्ड 9th हाउस में जाएंगे और 15th जून से आपका मरकरी 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो सिचुएशन में चेंज होगा। 30th जून को सन 8th को छोड़कर आपके 9th में चले जाएंगे, तो भी सिचुएशन में चेंज होगा। लेकिन इस सारा महीना मंगल आपके 7th हाउस में है, लगन पे आस्पेक्ट है, एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सारा महीना कुछ डावाडोल स्थिति है। रक्त बुखार भी आपको यहाँ पे हो सकता है, हाई बीपी लो बीपी की इश्यूज रह सकते हैं और ये समय आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा। बृहस्पति 7 जून तक 8th हाउस में कंबस्थ है, तो टाइम वाहियात है, 7 जून के बाद राइज होंगे तो कुछ अच्छा है, लेकिन सेहत को लेकर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रा ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिलेज आपके बने रहेंगे, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल और ये चीज़ें आपको हेल्थ इश्यूज़, खास करके डायबिटीज़, थायराइड या स्किन रिलेटेड कोई ट्रबल आपको ज़्यादा इरीटेट करेगी, फैटी लीवर आपको परेशान करेगा, ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, मार्केट फूड, विस्की, ये बिल्कुल नहीं खाना पीना आपने। सात्विक भोजन खाएं, कम खाना खाएं, भूख लगने दें, ये भूख भर पेट खाना नहीं खाना इस महीने आपने। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें, अपनी हेल्थ से संबंधित केयरफुल हो जाएं, किसी किस्म का भी नेगेटिव सिम्टम दिखता है तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखें लिब्रा, ये महीना आपके खर्चे स्काई हाई रहेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून में, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी रहेगी, पैसे के लेन देन में दिक्कत रहेगी। 1 जून से 15 जून तक की सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझनों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपका हाथ छोड़ देंगे, आपके बिजनेस पार्टनर्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आप देखेंगे, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम आप देखेंगे, जॉब में भी दिक्कत आएगी, बिजनेस में भी दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट्स में भी दिक्कत है, लेन देन में दिक्कत है। अगर पैसे किसी के देने हैं तो आप दे नहीं पा रहे हैं, लेने हैं तो आपको मिल नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल टाई अप्स विल बी ब्रेक डाउन इवन, ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। पहले 15 दिन ना किस्मत का सहारा है, ना हार्डवर्क पे ऑफ कर रहा है,
बस आप परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं अच्छे मिल रहे, सीनियर्स के साथ तू तू मैं मैं लड़ाई झगड़ा, पहले 15 दिन ये चलेगा, बहुत ज़्यादा आपने अलर्ट होकर चलना है, अदरवाइज आपकी जॉब भी जा सकती है। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, अगर आपका अफेयर है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम्स है, समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट यू पैनिक सिचुएशन, प्लैनेट्स पोजिशन इज नॉट इन योर फेवर। 4-4 प्लैनेट ट्रांजिट इन योर 8th हाउस 1st June to 15th June, बट आफ्टर 15th June व्हेन मर्करी एंटर इन 9th हाउस इन जेमिनी साइन ऑन साइन, द सिचुएशन विल बी लिटिल बिट चेंज। एंड सन आल्सो ट्रांजिट इन योर 9th हाउस इन सेकेंड पार्ट ऑफ द जून, वीनस इज आल्सो ट्रांजिट इन योर 9th हाउस इन सेकेंड पार्ट ऑफ द जून, थिंग्स विल बी 40% इन योर फेवर कि रुका हुआ पैसा आपको 15th जून के बाद मिलेगा, किस्मत का सहारा यहाँ पर मिलना शुरू होगा, गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन लेन देन इतने बिगड़े हुए हैं कि वो वहीं पर चले जाएंगे, बच्चों पे पैसा खर्च हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन पे पैसा खर्च हो रहा है, या कोई फॉरेन रिलेटेड कोई खर्चा ऐसा आ रहा है जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या अचानक आपको इतना अच्छा इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है कि मेंटल स्ट्रेस आपकी एंग्जाइटी आपकी बढ़ रही है, सारा समय आपके लिए डाइसी रहेगा। लेकिन 15th जून के बाद भाग्य फेवर में होने से कुछ पॉजिटिविटी साथ में बनी रहेगी। हेल्थ बहुत केयरफुल होकर चलना है, कोई नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट इस महीने नहीं करना। 15 जून के बाद आप ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए मैं अभी नहीं बोल रहा। 15 जून के बाद नो डाउट मर्करी की वीनस की कुछ पोजिशन अच्छी होंगी, लेकिन लगन लॉर्ड कंपस्ट हैं सारा महीना शुक्र आपके, बिल्कुल भी आपने रिस्क नहीं लेना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, या तो रिस्क लेने जितने पैसे ही नहीं आपके पास होंगे, अगर हैं तो वो कोई गलत डील में आप इन्वॉल्व कर दोगे। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल आपने लिब्रा होके चलना है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए, पार्टनर्स के लिए अच्छा नहीं है। दुश्मन आपको परास्त करेंगे, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, जॉब में वर्कलोड ज़्यादा है, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से पहले 15 दिन सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपको ज़रूर थोड़ी सपोर्ट करेगा जब सीनियर सेटिस्फाई होंगे, लेकिन प्रेशर वर्क का इस महीना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। रेमेडी नंबर 1, हर रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा का 3-5 या 7 उच्चारण करें। रेमेडी नंबर 2, इस महीना आपने फ्राइडे वाले दिन 8 kg चावल गुरुद्वारा साहब या मंदिर में डोनेट करने हैं। मंथ ऑफ जून में हर फ्राइडे को आपने ये करना है। और रेमेडी नंबर 3, सीक्रेट पार्ट्स अपने क्लीन रखें, सीक्रेट पार्ट्स को अपने क्लीन नीट क्लीन रखें। रेमेडी नंबर 4 जो आपने ज़रूर करना है, अपने स्पाउस के साथ अच्छी बॉन्डिंग में रहना है, स्पाउस की एडवाइस लिए बिना कोई बड़ा काम नहीं करना अगर आप मैरिड हैं। और ये टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, आपकी हेल्थ, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी जॉब, आपके बिजनेस को लेकर बैलेंस बना के चलेंगे तो चीज़ें अच्छी चलेंगी, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सॉरी टू से। और ये छोटी छोटी रेमेडीज आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। कोई बड़ा डिसीजन जून महीने में ना लें, किसी को पैसा उधारी ना दें, ना लें, कोई लोन नहीं आपने लेना, नहीं तो आप चुका नहीं पाएंगे, किससे पैसे लेने, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक्सपेंसेस आपके इस महीना हाई फाई रहेंगे, स्काई हाई रहेंगे, इनकम का लेवल डाउन है, खर्चा टॉप पे है, तो सेविंग्स आपकी हिलेंगी, सॉरी टू से। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो सेंडर, स्कॉर्पियो जून 2024। सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की, प्लैनेट्स के पोजीशन की। आपके लगन के लॉर्ड मार्स 1st June से 30th June तक आपके 6th हाउस में एरीज साइन में गोचर करेंगे। राहु केतु के एक्सिस से अब जो हैं मार्स वो बाहर आएंगे 1st June को, और आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। 1st June से लेकर 7th June तक जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड, आपके 5th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में कंबस्ट रहेंगे। 7 June से मंथ एंड तक जुपिटर जो है वो राइज हो जाएंगे 7 June को, उसके बाद राइज चलेंगे। 1st June से लेकर 28 June तक सैटर्न आपके 4th हाउस में है, डायरेक्ट मोशन में रहेंगे। 29 June से सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 4th हाउस में। 1st June से 15th June तक मरकरी आपके 7th हाउस सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक बड़ी स्ट्रांग ट्रांजिट होगा। इसमें 3rd और 4th June को मरकरी भी जो है कंबस्त रहेंगे। शुक्र 1st June से 12th June तक आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 12th June के बाद आपके 8th हाउस में करेंगे। इस सारा महीना वीनस जो है कंबस्त रहेंगे, पहले 12 दिन 7th हाउस में, उसके बाद आपके 8th घर में भी जो शुक्र है वो कंबस्त रहेंगे। आपके 10th हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो सूर्य हैं, और सूर्य का गोचर जो है 1st June से 30th June तक आपके 7th हाउस में होगा।
सप्तम भाव में होगा। 13 जून के बाद सूर्य का गोचर आपके 8th हाउस में जेमिनी साइन में होगा और 15 जून से 30 जून तक मरकरी का ट्रांजिट भी आपके अष्टम भाव में होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए स्कॉर्पियो, ये महीना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे तो 1 जून के बाद रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे और किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ ये मुझे बनती हुई नहीं दिखती, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड 6th हाउस में एरीज साइन में गोचर कर रहे हैं। इवन यहाँ पर आपको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड या आपको अप्रैल मई में रही होगी तो वो भी जून के महीने में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आप इस महीने में और बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस महीने में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। सो स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ जून 2024, देखें जो पहले 13-14 दिन है इस महीने के, 1 जून से 13th जून 2024 तक का जो टाइम है, आपकी नई बातचीत शुरू होगी पार्टनरशिप की, इन्वेस्टमेंट्स की, पार्टनरशिप की, डेली इनकम आपकी राइज करेगी। लेकिन 7 जून तक, क्योंकि आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो कंबस्त अवस्था में 7th हाउस में टारगेट कर रहे हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 7 जून निकलेगी तो थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू, खास करके वो लोग जिनके ऊपर मार्स की महादशा, मून की महादशा, जुपिटर की या सन की महादशा, दे विल ब्लेस विद अ बिग गेन्स और सम बिग अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ विल नॉक यू। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु की दृष्टि आपके लगन पे, सूर्य की दृष्टि आपके लगन पे, शुक्र की दृष्टि आपके लगन पे पहले 12-13 दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ऊपर से लगन लॉर्ड आपके 6th हाउस में एरिस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, थिंग्स विल बी परफॉर्म, आपकी हेल्थ, आपका प्रोफेशन, ये बहुत अच्छा है। मंथ ऑफ जून, खास करके 7 जून के बाद आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी, क्योंकि 2nd हाउस और 5th हाउस की जो लॉर्डशिप है जुपिटर के पास है, यहाँ पे नई पार्टनरशिप 7 जून के बाद आपकी एक्टिव होगी, जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है या आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है। गुरु शुक्र की युति पहले 12-13 दिन ट्रांजिट में आपके 7th हाउस में है स्कॉर्पियो। दिस इज अ वन ऑफ द अल्टीमेट कंजक्शन, स्पेशली उन लोगों के लिए अगर कोई फ्री बैठे हैं, फ्री मीन्स टू नॉट फॉर जॉबलेस, कि पर्सनल लाइफ में कोई अफेयर नहीं है या शादी नहीं है, अकेले हैं, तो उनका कोई अफेयर पहले 12-13 दिन में स्टार्ट होगा। या अगर आपका कोई अफेयर है तो वो शादी में आपका कन्वर्ट हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप, आपकी जो लव लाइफ है वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है। और ये टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आ रहा है। ये टाइम आपको पार्टनर से 7 जून के बाद बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके पार्टनर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, नए नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे, नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, थिंग्स विल बी एक्सीलेंट इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस आफ्टर 7th जून 2024। ऊपर से लगन लॉर्ड 6 होने से रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था तो वो कर्ज को आप जून महीने में आप क्लियर कर देंगे। इस महीना आपके ऊपर पैसे की बरसात होगी, खास करके 7 जून के बाद हो सकता है कि स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लाटरी से आपको कोई बड़ा बेनिफिट हो जाए, आपकी क्रिएटिविटी को मैजिक क्रिएट करे। जो लोग खास करके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं या आप सीए हैं या आप अकाउंटेंट हैं, तो मंथ ऑफ जून आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर आ रहा है। ये टाइम आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। और जो लोग खास करके ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, बुध का पहले 15 दिन आपके 7वें भाव में गोचर करना आपको लाभवांछित करेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, कॉमोडिटीज की है, इंट्राडे की है, या आप कोई शॉपकीपर हैं कि कोई प्रोडक्ट लेकर आप सेल करते हैं, तो भी ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा धन लाभ यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। क्योंकि देखें आपके 2nd हाउस का लॉर्ड 7th में है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड 7th में है, आपके 11th और 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी भी पहले 15 दिन सप्तम भाव में होने से यहाँ पे धन योग का निर्माण होगा, या पार्टनर्स के थ्रू आपको कोई पैसा मिल सकता है, या कोई नए रिलेशनशिप आपके बिल्ट होंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को नई शेप देंगे, या कोई नए दोस्त आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल एंजॉय कम्फर्ट एंड रिसोर्सेज। मेंटल स्टेबिलिटी आप बहुत अच्छी जून महीने में एंजॉय करेंगे और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ ये मंथ रहेगा। खास करके डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट की महादशा लाइक सन, मून, मार्स, जुपिटर महादशा चल रही है, तो दैट डेफिनेटली आफ्टर 7th जून यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कैश फ्लो।
इस समय में आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी और ये समय आपको नए नए पार्टनर्स आपके साथ जुड़ेंगे जो कि आपके लिए बड़े प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप फार अवे प्लेस में हो, कहीं दूर दराज किसी मुल्क में हो, या आपका कोई अफेयर स्टार्ट होगा, या आपकी कोई लाइकिंग स्टार्ट होगी, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर दूर, आपको आप अगर समझ लें यूएस में तो हो सकता है वो पार्टनर आपका लंदन में हो या इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, समथिंग लाइक दैट, कि कोई दूर दराज का रिलेशनशिप इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, इन द मंथ ऑफ जून, आफ्टर 7 जून के बाद आपका एक्टिव होगा और उसमें आपको बड़े अच्छे सुनहरे अवसर मिलेंगे आपकी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को रीसेट करने के लिए। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी ये मंथ बड़ा अच्छा है, लेकिन वीनस कंबस्ट होने की वजह से कोई भी बड़ा डिसीजन अभी शादी से संबंधित ना लें। 12 जुलाई 2024 यानी जून महीना सारा और जुलाई के 12 दिन तकरीबन आप समझ के चलें कि 12 जुलाई तक वीनस कंबस्ट है, तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं शादी से संबंधित या कोई रिश्ता आ रहा है तो अभी उसको होल्ड करके चलें। लेकिन बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे 7 जून के बाद, क्योंकि जुपिटर का ट्रांसिट सप्तम भाव में दृष्टियाँ 11th, 1st और 3rd हाउस में आपके लिए अमृतमय है। कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा, ब्रेवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, विल पावर करेज आपका बढ़ेगा और टाइम आप लाइमलाइट में रहेंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस और नई नई पार्टनरशिप्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज आने से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे होंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं 7 जून के बाद वो स्टडी पे फोकस कर पाएंगे और अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं तो 7 जून के बाद आपकी इच्छा के मुताबिक आपको वहाँ से रिजल्ट्स मिलेगा। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए अल्टीमेट है। क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं या फैशन डिजाइनर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, उनके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा सुनहरी अवसर लेकर आ रहा है। खास करके आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर हैं या आप यूट्यूबर हैं या आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो भी 7 जून के बाद परिस्थितियाँ आपके फेवर में होंगी और आपकी इच्छा के मुताबिक यहाँ पर धन लाभ आपको होता हुआ जाएगा, जिस वजह से आप अपने डेट्स क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। 7 जून 12th जून और खास करके अब लगा के चलें 15th जून के बाद जैसे ही मरकरी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉ से आपको बेनिफिट होगा, या अगर आप कोई रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। बुध का संचार आपके 8th भाव में, गड़ा छुपा हुआ धन आपको कहीं से मिल सकता है या कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, या जो लोग किसी किस्म का कोई अकल्ट साइंस से संबंधित कोई काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको कोई अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखता है। डेट होगी 15th जून से 30th जून, इन 15 दिनों तक जो बुध हैं 8th हाउस के लॉर्ड आपके 8th हाउस में टारगेट करेंगे, और अगर आपके इन लॉस के साथ कोई रिलेशनशिप ख़राब है तो वो भी 15th जून के बाद अच्छे हो जाएंगे। देखिए ये महीना आपके लिए प्रोफेशन और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से 7 जून के बाद बहुत बड़ी गेम चेंज हो रही है और मंगल का संचार 6th भाव होने से जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। ये महीना कार्य व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो 7 जून और 15th जून के बाद डेफिनेटली कोई बड़ा ऑर्डर या कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन आपको हैप्पी करेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये टाइम स्कॉर्पियो आपके लिए दोबारा नहीं आने वाला। अब समझ लें जो जुपिटर का चेंज 1st मई 2024 को हुआ है, लेकिन उसके जो बेनिफिटेड रिजल्ट्स हैं वो 7 जून के बाद आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मंथ ऑफ मई में जहाँ पे गुरु कंबस्त हो गए थे और मार्स आपके राहु केतु के एक्सिस में थे तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी। अब मंथ ऑफ जून में 1st जून आते ही मंगल का 5th हाउस से 6th हाउस में आना और 7 जून को बृहस्पति का राइज होना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी करेगा, नई अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ेगी। शत्रु हंता 7 जून के बाद आप बनेंगे, एनिमीज आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये समय अगर कोई आपके अगेंस्ट खड़ा होगा तो वो मुँह के बल गिरेगा और आप उस चीज़ में विन कर जाएंगे। लिटिगेशन में अगर आप इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट 6th हाउस में आपको बड़ा ही सपोर्ट करने वाला है, उस लिटिगेशन में जो फैसला होगा वो आपके फेवर में हो जाएगा और आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो उससे छुटकारा मिलेगा। ये टाइम आपके लिए रिवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज और गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। थिंग्स विल परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल डेफिनेटली अचीव बिग माइलस्टोन इन द मंथ ऑफ जून 2024। अब शनि का गोचर चतुर्थ भाव में होने से 1st जून से 28 जून तक ये टाइम आपके लिए लग्जरी में पैसा खर्च कर सकते हैं, नौकर चाकर में वृद्धि होगी, या हो सकता है कि आप कोई गाड़ी नहीं बाय कर लें,
लेकिन 29 जून से पहले पहले अगर आप कोई गाड़ी या प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आप कर लें। जैसे 29 जून आएगी, शनि फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा अच्छी इन द टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू प्रॉपर्टी और न्यू व्हीकल नहीं होगी। जो भी करना है 29 जून से पहले कर लें। और अगर आप रियल इस्टेट मर्चेंट हैं तो भी आपको इस महीने अच्छी खासी कोई प्रॉपर्टी की डील होने वाली है जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं तो भी आपको इस समय में अच्छी खासी दलाली या ब्रोकरेज मिलने वाला है। ये टाइम स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज और गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है, और आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट 7 जून के बाद आपको बड़े ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली है। तो ये महीना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं, फेम भी हैं, और जो लोग फॉरन रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए 7 जून, 14 जून और 15 जून का जो टाइम है बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। फॉरेन से आपको कोई सपोर्ट कर सकता है या जिस तरह की मदद आप चाहते हैं विदेश से आपको वो मिलेगी। और टाइम रहेगा, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं तो आपका वीज़ा क्लिक हो जाएगा या पीआर आपको मिलेगी। ये टाइम जुपिटर की ब्लेसिंग्स, मरकरी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी जिसमें आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा उन्नति रहेगी। और मंगल की 7th आस्पेक्ट आपके 12th हाउस में होने से थोड़ा सा खर्चा इस महीने लग्जरी पे ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आपके आय के साधन भी बनेंगे और विदेश से अच्छा खासा धन लाभ आपको मंगल की सप्तम दृष्टि 12th हाउस पे दिलाएगी। अब मंगल की 8th आस्पेक्ट आपके लगन पे है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल, करेज और ब्रेवनेस को बढ़ाएगी, आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाएगी, आपकी विल पावर को बढ़ाएगी और आपके माइंड में बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे। इसके बावजूद आपने कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ का नहीं लेना, ट्रस्ट करने का ये महीना है। 7 जून के बाद अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बड़े ज़बरदस्त, बड़े पॉजिटिव वे से स्कॉर्पियो मिलेंगे। और ये टाइम आपके लिए अल्टीमेट रहेगा जहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ साथ फॉरेन कनेक्शंस आपके बनेंगे, और फॉरेन से कोई बड़ी डील या बड़ा प्रॉफिट या फॉरेन रिलेटेड जर्नीज जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहने वाली हैं वो होंगी। लगन लॉर्ड का मार्स का राहु केतु के एक्सिस से निकलना, 6th हाउस में ट्रांजिट करना आपके लिए हर एक तरह से उपलब्धियां, प्रॉस्पेरिटी और आपके लिए गेन्स लेकर आएगा। अब देखें, इस महीने रेमेडी नंबर 1 जो आपने करनी है, कॉपर का एक छल्ला आपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डालना है, ये अनामिका उंगल में डालना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और एक कोरल आपने गले में गोल्ड में मढ़ा के डाल लेना है। रेमेडी नंबर 3, हर रोज़ रात को आपने बजरंग बाण का पाठ करके सोना है 3 बार 5 बार या 7 बार। रेमेडी नंबर 4, 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ चलते पानी में जल प्रवाह करनी है ट्यूसडे वाले दिन। रेमेडी नंबर 5, आपके लिए जून का महीना कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे जाकर अभिषेक करें हर रोज़ सुबह। मंडे से स्टार्ट करके सारा महीना जून का अगर आप ये करते हैं, भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी और भाग्य का भरपूर सहारा आपको मिलेगा। और जैसे ही आप कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग में अभिषेक करेंगे, उसके बाद आपने एक आटे का दिया बना के देसी घी की जोत वो भगवान शिव के शिवलिंग के आगे आपने जगानी है। ये आप सुबह भी कर सकते हैं जोत का काम, अगर शाम को करेंगे जोत जगाने का प्रोसेस तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य अस्त होने के बाद जोत जगाएं और सुबह जाकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो थिंग्स विल बी परफॉर्म बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय बिग सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस, यू विल एंजॉय बिग सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर वेल विशर विल सपोर्ट यू। एंड दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंड योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल 7 जून के बाद रहेंगी। मंगल का गोचर 6 भाव में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियाँ, एडवांटेज और गेंस लेकर आ रहा है। खास करके शत्रुओं के ऊपर आपको विजय मिलेगी और अगर आपके मन में कोई भय था तो वो दूर हो जाएगा। सो ओवरऑल स्कॉर्पियो, जून मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है और बहुत सारा धन लाभ के साथ साथ फैमिली की सपोर्ट लेकर आ रहा है। स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। और ये महीना 7 जून के बाद आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक नई शेप और नई डायरेक्शन मिलेगी। जो पिछले 1-1.5 महीने से आप देख सोच रहे हैं कि यार जुपिटर चेंज हो गया है, 7th हाउस में आ गया है, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या जो लोग लगातार एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सुनते रहते हैं तो वो सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, तो वो रिजल्ट आपको 7 जून के बाद बड़ी अल्टीमेट मिलने वाले हैं। सो गेट रेडी एंड बी ऑनेस्ट एंड बी हम्बल, अपना हार्डवर्क करें, अपना परफॉर्म करें,
थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओवर ईटिंग आपने नहीं करनी। जैसे जुपिटर राइज होंगे क्योंकि उनकी दृष्टि लगन पे है तो आपका वेट बढ़ सकता है, और अगर आपका वेट जितना बढ़ता जाएगा उतना जुपिटर के रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे। सो ओवर ईटिंग की ओर ध्यान दे के चलें, खाना पीना ज़्यादा लिमिट में रह के खाएँ, थोड़ी सी भूख को लगने दें, यानी कि भड़ पेट नहीं खाना और कम खाएँ, क्योंकि गुरु अगर लगन को देखते हैं तो आदमी के फैट को बढ़ाते हैं। अगर फैट बढ़ा तो गुरु की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके बेनिफिट आपको उतने नहीं मिलेंगे। सो अपने बॉडी वेट की ओर ध्यान देकर चलें, जिम योगा जरूर करें, स्विमिंग जरूर करें, ओवरऑल ये महीना आपके लिए एडवांटेज लेकर आता है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की, यानी कि धनु लगन की। धनु लगन जून 2024, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए डायनामिक्स में आपके लगन के लॉर्ड जो हैं सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जून का महीना, 1 जून से 30 जून तक, 7 जून तक वो कंबस्ट हैं। 7 जून के बाद जो आपके जुपिटर होंगे वो राइज हो जाएंगे 7 जून के बाद, और 1 जून से 13 जून तक सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होगा, और 1 जून से 15 जून तक मरकरी का गोचर आपके छठे भाव में गुरु सूर्य के साथ युति में होगा, 1 जून से 12 जून तक शुक्र का गोचर भी आपके छठे भाव में होगा, इसमें शुक्र सारा महीना कंबस्त रहेंगे। 12 जून के बाद शुक्र आपके सेवंथ हाउस में चले जाएंगे जेमिनी साइन में, 15 जून को मरकरी आपके सेवंथ हाउस में चले जाएंगे, मंथ एंड तक वहीं रहेंगे, और 14 जून को सन आपके सेवंथ हाउस में जाएंगे, बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग यहाँ आपके सेवंथ हाउस में उसका निर्माण होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेके मंथ ऑफ जून की जो स्टार्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए नहीं है। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति, खास करके बोन्स रिलेटेड ट्रबल, थायराइड रिलेटेड ट्रबल है, शुगर रिलेटेड, डायबिटीज़ रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी डायबिटेड हैं उनका डायबिटीज़ बढ़ सकता है। ये टाइम आपको हेल्थ को लेके कुछ ट्रबल मंथ ऑफ जून में सेजिटेरियस देखने को मिलेगी। कुछ लीगल मैटर फर्स्ट वीक ऑफ द जून में राइज होंगे, कुछ पुराने लफड़े आपके आपके सामने आ सकते हैं, या बोल सकते हैं पुराने पाप कुछ आपके सामने आ सकते हैं, कुछ गलतियां सुधारने का मौका ऐसे समझ लें कि वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके सामने आएगा, और अगर आप उन गलतियों को सुधारने में फटाफट एफर्ट करने शुरू कर देंगे तो किस्मत का सहारा आपको मिलेगा। लेकिन 7 जून तक की सिचुएशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, लो विल पावर है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, क्रिएटिविटी में कोई मैजिक नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, खर्चा स्काई हाई हो रहा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका प्रेशर आपके जॉब में बनता हुआ दिखता है। 7 जून के बाद लगन लॉर्ड आपके राइज होंगे तो सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर सीनियर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, जॉब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन सिक्स हाउस में सारा जमावड़ा ग्रहों का, सूर्य शुक्र बुध गुरु, ये आपके छठे भाव में होने की वजह से आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा करना चाहते। हाँ एक चीज़ प्लस है, 7 जून के बाद जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिल सकती है, या आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा तो आपको कर्जा मिल जाएगा। कर्जा इस महीना 7 जून के बाद सेजिटेरियस को बड़ा ईजिली मिलेगा, लेकिन इनकम और रिसोर्सेज को लेकर पहले 7-8 दिन काफ़ी स्ट्रगलिंग है, इवन 12 जून तक का समय स्ट्रगलिंग है। 12 जून को शुक्र सेवंथ में जाएंगे, 15 जून को मरकरी वहां पे जाएंगे तो सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। सेवंथ हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा, हालांकि सारा महीना शुक्र सिक्स्थ में भी सेवंथ में भी कंबस्त हैं, मरकरी भी 3 और 4 जून को कंबस्त हो जाएंगे, लेकिन मरकरी का कंबस्त होना आपके लिए शुभ है, और शुक्र का कंबस्त होना शादी विवाह के मामले में जो लोग अनमैरिड है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, लेकिन रिसोर्सेज इनकम आपकी 15 जून के बाद बहुत अच्छी चलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, और ये समय में आपको सीनियर से सपोर्ट मिलेगी, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स इन दिस होल टाइम, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे, ये सारा टाइम आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा, शत्रु हंता आप बनेंगे, डेली इनकम से आपको इजाफा होगा। मंगल का गोचर 1 जून से 30 जून तक आपके पंचम भाव में है सेजिटेरियस 5th हाउस में है, जो कि आपको जुआ सटा लॉटरी से अल्टीमेट गेन दिलाने में कामयाब होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में कर रखी है, डिलीवरी करते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे करते हैं, कॉमोडिटीज करते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन डेट होगी 7 जून या 15 जून।
फर्स्ट जून से जैसे ही मार्स आपके फिफ्थ हाउस में जाएंगे, डिग्रिकली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपके लव अफेयर, आपके प्रोफेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके बच्चों के साथ रिश्ते, इसमें मधुरता आएगी और फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे हो जाएंगे, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम जो है वो 15th जून के बाद है, व्हेन मर्करी स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर सेवंथ हाउस कंजक्शन विद वीनस एंड सन। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी और यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स विद लॉट ऑफ सक्सेस। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगा, आपके वेलबींग्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो पहले 10-12 दिन सिचुएशन डाइसी थी, नेगेटिव थॉट्स थी, 7 जून और 15 जून के बाद आपकी नेगेटिव थॉट्स दूर होगी, इनकम में इजाफा होगा, नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे एडवांटेज नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ये सारा टाइम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, आपका हार्डवर्क 15 जून के बाद पे ऑफ करेगा। स्पाउस के साथ ताल्लुकात थोड़ा सा इस महीना आपके खराब हो सकते हैं या स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि सूर्य का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ ताल्लुकात खराब हो या स्पाउस की हेल्थ खराब हो या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो। जहाँ पर शुक्र बुध आपको 7th हाउस में सपोर्ट कर रहे हैं, 6th हाउस में जुपिटर राइज हो चुके हैं, लेकिन सूर्य का गोचर सप्तम भाव में कुछ क्रूशियल पोजीशंस, कुछ क्रूशियल सिचुएशंस आपकी पर्सनल लाइफ में क्रिएट करेगा या बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी तू-तू मैं-मैं या आर्गुमेंट्स होंगे या आपकी स्टबन नेचर की वजह से जो चीज़ें होंगी उस तरह से काम नहीं करेंगी, तो बैलेंस बना के चलें। लेकिन इस महीना मंगल का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में होने से और एस्पेक्ट 11th हाउस पे होने से काफ़ी अच्छा धन लाभ आपको 7 जून के बाद और 15 जून के बाद मिलना शुरू होगा। वैसे भी जब कोई प्लैनेट साइन चेंज करता है तो ये नहीं कि आज किया तो आज ही रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, इट विल टेक सम टाइम। अब मार्स ने 45 डेज नियर अबाउट आपके 5th हाउस में रहना है, तो अब समझ के चलें पहले 6-7-8 दिनों के बाद आपको इसके बेनिफिट मिलने शुरू होंगे। उस समय तक जुपिटर राइज हो चुके होंगे और 15 जून तक जो मार्स की डिग्री होगी वो तकरीबन 16-17 डिग्री तक पहुंच चुकी होगी, जिस वजह से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और मिलेंगे 15 जून के बाद। और ऊपर से मरकरी का ट्रांजिट आपके 7th हाउस में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करके आपको अच्छा खासा गेन दिलाने में कामयाब होगा। लेकिन क्योंकि लग्न लॉर्ड 6th हैं, 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे है, इस समय में आप खर्चे से संबंधित थोड़े से परेशान रहेंगे, थोड़ी सी डामाडोल स्थिति रहेगी, लेकिन मंगल का 5th हाउस में ट्रांजिट आपको फाइनेंशियल गेन्स देने में कामयाब रहेगा। प्रोफेशनली बड़ी अच्छी ग्रोथ मंथ ऑफ जून में, सेकंड पार्ट ऑफ द जून में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकाल लेंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ जून आपके लिए जॉब को लेकर काफ़ी प्रेशर वाला है, या सीनियर्स के साथ बिल्कुल आपने आर्गुमेंट्स नहीं करने, जो जैसे चल रहा है बस अपना बेस्ट देते जाएं, रिजल्ट कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं उसकी ओर ध्यान देकर डिप्रेशन में नहीं जाना, अपना परफॉर्म करें। लेकिन 15 जून के बाद आपके जो छोटे से एफर्ट्स होंगे बड़े चमत्कारी ढंग से आपको लाभ देंगे। स्पाउस की हेल्थ का, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है, लड़ाई झगड़ा पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर बिजनेस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं करना। ओवरऑल ये महीना सेकंड पार्ट ऑफ द जून आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा, जॉबलेस लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी और अच्छा खासा आप धन अर्जित इस महीना में करेंगे। रेमेडी नंबर 1, हर रोज शाम को आपने विष्णु भगवान के आगे देसी घी का एक जोत, देसी घी का दिया जगाना है। सारा महीना 1 जून से 30 जून तक आप ये करें। रेमेडी नंबर 2, एक येलो सफायर अपने गले में गोल्ड में मड़ा के डाल लें। रेमेडी नंबर 3, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें, अपने फादर के एडवाइस से चलें, अपने फादर की टेक केयर करें, अपने फादर से पूछे बिना कोई भी कार्य ना करें। रेमेडी नंबर 4, अपने शुगर लेवल को चेक करते रहें, देखें किसी भी चीज़ में इग्नोरेंट अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनना, तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर लेजी हो गए या कुछ नेगेटिव सिम्टम देख रहे हैं आप उसको इग्नोर करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी और ख़राब हो जाएंगी या आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल ये छोटे छोटे उपाय करें, सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है कंपेयर टू फर्स्ट 14 डेज ऑफ जून 2024। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की, मकर लगन की। देखिए जून का महीना, सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है टॉरस साइन में, सारा महीना जुपिटर टॉरस साइन में गोचर करेंगे। 7 जून तक गुरु जो है वो कंबस्त रहेंगे, सूर्य शुक्र के साथ युति है बृहस्पति की, 12 जून तक
जो शुक्र हैं वो भी टॉरस साइन में हैं, और 12 जून के बाद शुक्र जेमिनी साइन में गोचर करेंगे, लेकिन सारा महीना वीनस कंबस्त है। 7 जून से गुरु राइज हो जाएंगे, लेकिन 14 जून को सूर्य टॉरस साइन को छोड़कर जेमिनी साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 5th हाउस में ग्रहों का जमावड़ा पहले 12-13 दिन आपके रहेगा, उसके बाद 6th हाउस में बुध का, शुक्र का, महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी होगा। देखिए लगन से छठे भाव में ग्रह गोचर करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में। मंगल का गोचर आपके 4th हाउस में ऑन साइन में होगा, जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए आपके लगन के लॉर्ड जो हैं शनि हैं, और 1st जून से 28 जून तक शनि जो है आपके लगन से सेकंड हाउस में मार्गीय अवस्था में चलेंगे। 29 जून को शनि जो है वो रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। तो देखिए ये जो पहले 28 दिन हैं आपकी हेल्थ को लेकर कोई मेजर इशू यहाँ पे नहीं क्रिएट होंगे, लेकिन आपका गुस्सा बहुत बढ़े चढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर आपकी होने से आपके कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से आप डीप थॉट्स में जाएंगे, जिसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे रहेगा। तो मैं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो मंथ ऑफ जून में कैप्रिकॉन के लिए नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी आपने अपने गुस्से पे अंकुश लगाना है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा के चलना है, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, स्ट्रेस वाली बातें किसी के साथ नहीं करनी, ऑयली फूड जंक फूड को अवॉइड करना है, स्टमक रिलेटेड छोटी मोटी इन्फेक्शन आपको हो सकती है। ये टाइम आप अपने ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दे के चलें, बट ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड इस महीना नहीं है, खास करके 28th ऑफ जून तक। 29 जून को शनि वक्री होंगे तो थोड़ी सी सिचुएशन खराब होगी, उसकी प्रेडिक्शन जुलाई मंथ में आपके सामने आ जाएगी, पेश हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए कैप्रिकॉन बिजनेस और फाइनेंस को लेकर ये महीना पहले 15 दिन आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। हालांकि शुक्र कंबस्त हैं, गुरु 7 जून तक कंबस्त हैं, सूर्य आपके 5th हाउस में तकरीबन 14 जून तक हैं, उसके बावजूद इन ग्रहों की जो सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव में है, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उसमें बेनिफिट होगा, ग्रुप गैदरिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उसमें बेनिफिट होगा, लोन अप्लाई कर रखा है लोन क्लिक हो जाएगा, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और दोस्तों से, वेल विशर से, बिजनेस पार्टनर से आपको कोई बहुत बड़ी सपोर्ट पहले 13-14 दिन जून महीने के मिलेगी। ये टाइम आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। 5th हाउस इन्वॉल्व है क्रिएटिविटी से, आपको काफ़ी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट से काफ़ी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या बच्चों की तरफ से कोई एडवाइस मिल सकती है, या आप अपने बच्चों को बड़ी अच्छी एडवाइस देंगे। 5th हाउस में जुपिटर सन वीनस का ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से इनकम में इजाफा करेगा और आपकी चीज़ों को बेटर करने में आपको सपोर्ट करेगा। 14th जून से जैसे ही सूर्य 6th हाउस में जाएंगे, और 12th जून को ऑलरेडी वीनस जो है, शुक्र जो है, वो भी 6th में चले गए होंगे, और 15th जून को बुध भी आपके छठे भाव में जाएंगे, तो रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, डेट्स आपके क्लियर होंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो वो फैसला आपके पक्ष में आएगा, लेकिन थोड़े से फाइनेंशियल चैलेंज आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। जो पहले 13-14 दिन प्रोडक्टिव हैं, उस तरह की एनर्जी आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द जून में नहीं मिलेगी। ये टाइम आपका एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लिटिगेशन कोर्ट कचहरी पे, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी ट्रबल और हर्डल। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट आफ्टर 14th जून। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ट्रस्टिंग ऑन समवन, यू नो, किसी पे भी अनजान पे आपने विश्वास नहीं करना, किसी को आपने चीट नहीं करना, किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी। इधर से गुरु आपके 5th हाउस में आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, 9th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो किस्मत थोड़ी सी 7 जून के बाद आपके फेवर में होगी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन, क्योंकि सूर्य आपके शुक्र और बुध के साथ है, जिस वजह से 3-4 जून को बुध भी आपके कंबस्त होंगे। हालांकि कंबस्त बुध आपके लिए योग कारक रहेंगे, लेकिन शुक्र का कंबस्त होना आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, आपको कहीं थोड़े से चैलेंज का सामना अपने कर्म स्थान पर करना पड़ेगा।
15 जून के बाद, और ये टाइम आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस देके जाएगा। बहुत केयरफुल और बहुत अलर्ट कैप्रिकॉर्न आपने होके चलना है। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव और रिवार्डिंग है, वहीं पे सेकंड पार्ट ऑफ द जून आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंज और स्ट्रगल लेकर आ रहा है। मैं बार बार बोलूंगा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अपना पैसा ना उधारी देना है ना लेना है। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो वो 15 जून से पहले पहले आपको मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स के हल निकलेंगे। लेकिन 15 जून के बाद ना आपने लोन अप्लाई करना है, फाइनेंशियल किसी एक्टिविटीज़ में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, अपनी हेल्थ का, अपने वेलबींग्स के साथ रिलेशनशिप का आपने ध्यान रख के चलना है। फॉल्स कमिटमेंट, झूठ किसी से नहीं बोलना, आप ये समझ के चलें। कल करने वाली चीज़ को 2 महीने आगे डाल दें। अपनी ज़ुबान से गलत शब्दों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। शनि वैसे ही आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, फॉल्स कमिटमेंट करेंगे तो शनि की तरफ से वार्निंग आएगी, उस वार्निंग को इग्नोर करेंगे तो पनिशमेंट मिलेंगी, और शनि की पनिशमेंट बहुत बुरी होती है। जो भी करें क्लैरिटी से करें, झूठ ना बोलें, मन में किसी किस्म का छल कपट नहीं रखना। ये टाइम पहले 15 दिन आपकी चांदी है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द जून में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, जहाँ पर रुक रुक के धन लाभ भी है लेकिन खर्चे का लेवल बढ़ जाएगा, तो उस सिचुएशन को मैनेज करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना इज अ गुड मंथ फॉर यू कंपेयर टू पास्ट फ्यू मंथ्स, जहाँ पर आपके डेट्स क्लियर होने में सूर्य बुध शुक्र की युति छठे भाव में आपको सपोर्ट करेगी, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी दिलाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़े से चैलेंज साइड बाय साइड चलते रहेंगे। रेमेडी नंबर 1, जून महीने की कैप्रिकॉर्न आपके लिए काली माता की उपासना करें, काली चालीसा का उच्चारण करें 3 बार 5 बार या 7 बार। हर रोज रात को काली माता का चालीसा पढ़ के सोएं। काली माता को मोटी बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डुओं का वेनसडे नाइट और सैटरडे नाइट को भोग लगाएं। 1.25 किलो मोटी बूंदी वाले मोतीचूर के लड्डू मंदिर में जाके काली माता को भोग लगाएं। और किसी अपाहिज की या हैंडीकैप पर्सन की सैटरडे वाले दिन आपने हेल्प करनी है। मेडिकल हेल्प किसी को सैटरडे वाले दिन देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की, यानी कि कुंभ लग्न की। जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? देखिए, जून का महीना आपके लिए, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। लगन के लॉर्ड लगन में है, 1 जून तक 28 जून तक शनि जो है मार्की है, 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे तो सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन पहले 28 दिन शनि आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट आपको देंगे। मंगल का गोचर आपके इस महीना 1 जून से मंथ एंड तक 3rd हाउस में होगा, जो कि वेल प्लेसमेंट है मार्स के लिए, एरिस साइन में गोचर होगा। बृहस्पति का गोचर 4th हाउस में हो रहा है, सारा महीना 4th हाउस में रहेगा, 7 जून तक गुरु जो है कंबस्त रहेंगे। शुक्र का गोचर आपके 1 जून से 12 जून तक आपके 4th हाउस में गुरु के साथ होगा, सारा महीना शुक्र आपके कंबस्त रहेंगे। 12th जून के बाद शुक्र आपके 5th हाउस पर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे और कंबस्त अवस्था में रहेंगे मंथ एंड तक। मरकरी का गोचर आपके 1 जून से 15 जून तक 4th हाउस में है, 4th जून को मरकरी भी कंबस्त हो जाएंगे। 15 जून के बाद मरकरी आपके 5th हाउस में शुक्र के साथ महालक्ष्मी नारायण का योग बनाएंगे। सूर्य का गोचर 13 जून तक 4th हाउस में है, 13 जून के बाद सूर्य आपके 5th हाउस में 1 महीना के लिए गोचर करेंगे। तो ये आपके मेन मेजर डायनामिक्स की पोजीशन है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर ये महीना कुछ स्ट्रगलिंग आपका है। जब पे फर्स्ट पार्ट में तो एनर्जी कायम रहेगी आपकी और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वहीं सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपको बैक बोन रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, नोज रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, आई साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, नज़र पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी आपको यहाँ पर होगी, जिस वजह से उसका बैड इफेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा। तो हेल्थ को लेकर आपको बैलेंस बनाना है। सुबह उठकर आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है, और अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स देख रहे हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है। खास करके टांगों में पीड़ इस सारा महीना में बढ़ी रहेगी, पेन आपके लेग्स में रहेगी, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना आपको देखना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे, आपके थॉट्स पे, आपके माइंड पे पड़ेगा। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर हम बात करें तो पहले 12-13 दिन आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेंगे, जहाँ पर एक तरफ से इन प्लैनेट्स की, जुपिटर, सन, मून, मरकरी की 7th आस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, प्रोफेशनली आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है।
ये टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा। इस टाइम में बिजनेस पार्टनर्स के साथ तू-तू मैं हो सकती है, लेन देन है किसी के साथ तू-तू मैं हो सकती है, घर का माहौल आपके खराब होगा, आपके स्पाउस के साथ या आपके बड़े बुजुर्ग की हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा जिस वजह से घर का माहौल खराब होगा, खर्चे का लेवल बड़ा चढ़ा रहेगा, ये टाइम मेंटल स्ट्रेस आपकी ज़्यादा रहेगी। एक तरफ से बिजनेस आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक ना होने की वजह से आप बहुत हार्डवर्क करेंगे, उस हार्डवर्क के रिजल्ट्स अभी आपको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। जैसे ही 14th-15th जून निकलेगी, मरकरी का गोचर 5th हाउस में ऑन साइन में शुक्र और सूर्य के साथ होना शुरू होगा और इनकी दृष्टियां 11th हाउस पे जाएंगी, तो डेफिनेटली कैश फ्लो आपको हैप्पी करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डेट्स क्लियर होंगे, सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व तो फैसला आपके फेवर में आ जाएगा, थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्पेशली योर एल्डर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू, योर इन लॉज विल सपोर्ट यू, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बिजनेस रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई नई पार्टनरशिप में किसी भाई बंधु के साथ आपका बिजनेस हो सकता है। 15th जून के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, उसमें चार चार लगेंगे और थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए, गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर सारा महीना है, 7 जून के बाद जैसे ही गुरु राइज होंगे यानी उदय होंगे तो आपकी चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अभी आपको उस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे मंथ ऑफ जून में जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, खास करके फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून। सेकेंड पार्ट ऑफ द जून आपके लिए प्रोडक्टिव है, आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, डेट्स क्लियर होंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, स्पाउस के साथ रिश्ते बेटर होंगे, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, इन लॉस की सपोर्ट मिलेगी, ब्रदर इन लॉ ब्रदर की सपोर्ट मिलेगी, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को काइंडली बनाए रखें क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट प्ले अ बिग रोल स्पेशली फॉर एक्वेरियस असेंडेंस। ये सारा साल आपको बड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, बड़ी ज़्यादा फोकस्ड होकर आपने चलना है, विल पावर के साथ चलना है तो चीज़ें काम करेंगी। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते नहीं खराब करने, इन लॉस के साथ मंथ ऑफ जून में कुछ तू-तू मैं भी फर्स्ट पार्ट में रह सकती है जो सेकंड पार्ट में सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने अपने रिश्तों के साथ, अपने वेल बींग्स के साथ, नियर डियर के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग में रहना है, ईगो एटीट्यूड में नहीं चलना। शनि लगन में है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है, हालांकि अपनी राशि में है लेकिन लगन में ही गोचर करना शनि का वो ज़्यादा शुभ नहीं होता। और 29 जून को जैसे ही शनि वक्री होंगे प्रोफेशनली चैलेंज और फाइनेंशियल क्रंच आपको देखने को मिलेगा। इस सारा महीना जून के रेमेडी नंबर 1, हर रोज रात को हनुमान जी की भक्ति करके सोएं, 3 बार 5 बार 7 बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा हो सके आप इस महीना 4-फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर के आगे जगाएं, एवरी नाइट जगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पिता की हेल्थ का और पिता के साथ रिश्ते का ध्यान रख के चले। एरोगेंस नेचर, स्टबर्न नेचर, ईगो को घर की अलमारी में रख दें, इसको मार्केट में ना लेके जाएं, नहीं तो लोचे होंगे, लफड़े होंगे। तो बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर की ओर एक्वेरियस अपने ध्यान दे के चलना है। अगर आप बोलचाल का रवैया बदलेंगे, बिहेवियर पोलाइट रखेंगे तो बुरे समय से भी आराम से निकल जाएंगे। ना बोलचाल का रवैया आपका अच्छा है, ना बिहेवियर अच्छा है, ऊपर से वक्त थोड़ा सा ख़राब है तो चीज़ें वाहियात हो जाएंगी। तो अपने बिहेवियर पे काम करें, सुबह उठ के मेडिटेशन ज़रूर करें, इस सारा महीना आपके लिए मस्ट है। चाहे 20 मिनट्स करें, क्लोज योर आइज, चैंट मंत्र, वट एवर यू लाइक, यू विल फील पॉजिटिविटी। और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रखें और आप देखें आपको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता, आपका सारा दिन बड़ी पॉजिटिविटी के साथ निकलेगा। लेकिन मेडिटेशन करनी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना आपके लिए जून महीने में आपकी सक्सेस की की होगा। नहीं तो ये महीना फर्स्ट पार्ट चैलेंजिंग है, सेकंड पार्ट में गेंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया इवेंट्स मुझे बनते हुए डायनामिक्स के हिसाब से नहीं दिखते। तो जमावड़ा पहले 12-13 दिन 4th हाउस में हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर को घर को ख़राब कर रहा है, फिर 5th हाउस में गेंस भी दे रहा है, लेकिन उस गेन में स्टेबिलिटी मुझे बनती हुई अभी एक्वेरियस सॉरी टू से नहीं दिख रही। सो आप अपने बिहेवियर पर काम करें और छोटी छोटी वर्शिप और रेमेडीज़ करें, थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू। अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंस की, यानी कि मीन लगन की, जून 2024। देखिए, लगन के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, गुरु कंबस्त रहेंगे 7 जून तक, 1st जून से 30th जून तक आपके 3rd हाउस में 7 जून तक कंबस्त हैं, उसके बाद राइज हैं, उदय हो जाएंगे।
गुरु का गोचर के साथ साथ सूर्य का गोचर 13 जून तक आपके थर्ड हाउस में है, उसके बाद सूर्य आपके फोर्थ में चले जाएंगे। 1 जून से 12 जून तक वीनस है आपके थर्ड हाउस में गुरु के साथ है, उसके बाद वो भी फोर्थ में मंथ एंड तक ट्रांजिट करेंगे। मरकरी 1 जून से 15 जून तक आपके थर्ड हाउस में, उसके बाद वो भी फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। इस सारा महीना शुक्र कंबस्त रहेंगे, चाहे थर्ड हाउस में चाहे फोर्थ हाउस में। देखिए, पहले 15 दिन आपकी हेल्थ जो है बड़ी पॉजिटिव रहेगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड मुझे बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन एग्जाइटी फोबिया ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, डीप थॉट्स में आप रहेंगे ये डिस्टर्ब करेगा। कोई इशू हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि शनि आपके लगन से 12th हाउस पे है और आपके लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, मैलिफिक प्लैनेट्स आपके लगन में और 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ऊपर से शनि 12th में होने से एग्जाइटी स्ट्रेस टेंशन या बिहेवियर में कुछ चेंज होने से उसका बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है, लेकिन कोई मेजर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे नहीं है। अगर हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो ये महीना जहाँ पे पहले 15 दिन आपके लिए सुनहरी अवसर हैं, खास करके 7 जून से 15 जून तक की सिचुएशन बहुत बढ़िया रहेगी, भाग्य का फुल ऑन सहारा मिलेगा, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बेनिफिटेड होगी। अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, सप्लायर हैं आप, तो आपको पहले 15 दिनों में अच्छा खासा धन लाभ ट्रेवल्स के थ्रू होगा, लेकिन बृहस्पति 7 जून तक कंबस्त है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ही, लेकिन 7 जून से 15 जून तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, और ये टाइम आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। 15th जून से मंथ एंड का पीरियड आपके पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, घर का माहौल खराब होगा, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, आपका पैसा काफ़ी खर्च होगा आपके मदर की हेल्थ पे, लीगल मैटर्स पे। टाइम आपके लिए सेकेंड पार्ट ऑफ द जून ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रोफेशन में थोड़ी बहुत ग्रोथ है, क्योंकि आस्पेक्ट सूर्य शुक्र और बुध की कर्म स्थान पर पड़ेगी, लेकिन मुनाफे वाला सौदा अभी मुझे बनता हुआ नहीं दिखता। अगर पैसा आ रहा है तो एक्सपेंसेस काई आएंगे, क्योंकि शनि 12th हाउस में है, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी है, लिटिगेशन पे, कोर्ट कचहरी पे, पुलिस पे, मुकदमे पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फादर की तरफ से कोई एडवाइस या कोई बड़ी सपोर्ट मुझे मिलती हुई जून में दिखती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी स्टबन नेचर आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाएगी। पाइसिस इस महीने बृहस्पति जब उदय होंगे, उनकी दृष्टि 9th हाउस में सारा महीना रहेगी, तो भाग्य के जरिए आप अपनी मुश्किलों का समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है या अगर आप दूसरे की बात को सुनते हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं मैं ही मैं हूँ या ईगो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, तो थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस होल टाइम क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर गुरु जैसे ही राइज होंगे चीज़ों में बदलाव होगा, लेकिन 20-25%, क्योंकि जो कर्म फलदाता शनि लगन से 12th हाउस में चल रहे हैं ना, वो स्टेबिलिटी नहीं अभी लाने देंगे। ऊपर से केतु के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है ये मैरिटल लाइफ में सपोर्ट करेगी, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम थी, लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम थी, तो गुरु की 5th आस्पेक्ट 7th हाउस पे डेफिनेटली अमृतमय अपना चमत्कार दिखाएगी और आपके स्पाउस के साथ रिश्ते कुछ बेटर होंगे। लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि राहु को केतु का गोचर आपके लगन और 7th हाउस में, शनि 12th हाउस में, ऊपर से सारा महीना शुक्र कंबस्त हैं, और उसके बाद 1st वीक ऑफ द जून में मरकरी कंबस्त होंगे, और ये टाइम आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी जहाँ पे खर्चा फॉरेन एक्टिविटीज़ पे हो सकता है, लेकिन फॉरेन में साथ में बेनिफिट सेकंड पार्ट ऑफ द जून 2024 में मुझे दिखते हैं, कि सडन फाइनेंशियल गेन्स या कोई पार्टनर आपके साथ फॉरेन से इन्वॉल्व हो सकता है, फॉरेन रिलेटेड बेनिफिटेड है, या फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो उसमें बेनिफिट है, पीआर अप्लाई कर रखी तो गुड न्यूज़ है, लेकिन लेवल जो है ना आपकी सक्सेस का पाइसिस वो अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये मंथ आपके लिए कुछ चैलेंज, कुछ हर्डल्स, कुछ ऑप्टिकल्स लेकर आएगा। रेमेडी नंबर 1 मंथ ऑफ जून पाइसिस आपके लिए, केले के पेड़ की मिट्टी को पीले कपड़े में लपेट कर अपने बेडरूम में बेड के नीचे रखें सिर वाली तरफ, और केले के पेड़ की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं हर रोज सुबह, केसर खा के घर से बाहर निकलें, केसर आप पीले कपड़े बांध कर अपनी पॉकेट में रख लें, पिता के चरण स्पर्श करें, अपने फादर की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर अपने वॉलेट में डाल के रखें और वो देखकर अपना डे स्टार्ट किया करें, पिता के चरण स्पर्श करके डे स्टार्ट किया करें, पिता के चरण स्पर्श करके डे फिनिश किया करें। आप अगर मेल हैं तो अपने स्पाउस को यानी अपनी वाइफ को बोलें कि वो थर्सडे के 17 फास्ट रखें, अगर आप खुद फीमेल हैं तो 17 फास्ट रखें, और
पीले मीठे चावल थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगा के गरीब लोगों में बांटे। ये रेमेडीज करने से कुछ पॉजिटिविटी बनेगी, लेकिन जून महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। सिचुएशन उस तरह की नहीं है जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर जुपिटर की महादशा या आपके ऊपर मार्स या मून की महादशा, तो कुछ सिचुएशन आपके फेवर में होगी, लेकिन ये टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट वाइल साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी डील। किसी की बातों में पाइसिस बिल्कुल नहीं आना। फादर की एडवाइस लिए बिना कोई बड़ा डिसीजन लाइफ का नहीं लेना। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको थोड़ी सी सपोर्ट और राहत सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में मिलेगी, लेकिन आपको जॉब हासिल करने के लिए बहुत एफर्ट्स और बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। इजी इज नॉट पॉसिबल। जो लोग जॉब में हैं सीनियर्स की प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो टाइम आपको वर्क लोड ज़्यादा है या आप परफॉर्म नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, मार्केट से बिजनेस नहीं अच्छा निकाल पा रहे हैं, जिस वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। सो ये रेमेडीज करना, ये स्मॉल स्मॉल रेमेडीज करना आपके लिए पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। इस महीना आपको धर्म स्थान पे जाने का मौका मिलेगा 7 जून के बाद। उस मौके को आपने गंवाना नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व होना है, धार्मिक यात्रा पे जरूर जाना है। मेंटल पीस मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो आपके लिए काम करेंगी। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।